Hello guys, good evening, how are you? Am I audible? Let me know in the chat guys, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? Am I audible? Okay, I guess I'm audible. ठीक है गाइज, विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स रादर इन 1 मिनट. 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, जस्ट गेट सेटल्ड एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. यस मिहिर, आई एम फाइन, अभी ठीक है. और आदित्य इज आस्किंग ये चैट जीपीटी क्या है. चैट जीपीटी इज अ मॉडल बिल्ट बाय ओपन एआई एंड करेंटली सभी जगह उसी का नाम और चर्चा है. सो बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज मॉडल जो कई तरह के काम कर सकता है, कॉन्वर्सेशंस कर सकता है, कोड जनरेशन कर सकता है, इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. पिछले एक हफ्ते से आई एम यूजिंग इट फॉर अ लॉट ऑफ टास्क. लाइक आप लोगों को जो टास्क दिए जाते हैं वो हम लोग वहीं से निकाल रहे हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस कोर्स में हमें लगता है कि आपको हेल्प करेंगी. वी आर ट्राइंग कि चैट जीपीटी हेल्प कर पा रहा है कि नहीं. सारे केसेस में नहीं करता है, बट कुछ केसेस में हेल्प कर पा रहा है. तो बेसिकली मस्त चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आप भी ट्राई करो. फ्यूचर में आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. ठीक है, चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस. सो आज की क्लास इज़ अबाउट पैंडास. हमने पाइथन पढ़ लिया इस कोर्स में, हमने नंपाई भी लास्ट वीक कर लिया. ऑल्दो हमने लास्ट सैटरडे को जो सेशन होने वाला था अबाउट नंपाई इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो नहीं किया. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू द शेड्यूल. थोड़ा सा चेंज हुआ है शेड्यूल दिसंबर मंथ का, वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ. सो ये जो क्लास थी ना 10 तारीख की, ये हो नहीं पाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो मैंने क्या किया है कि सैटरडे के सारे सेशंस को एक एक शिफ्ट कर दिया है. सो जो 10 तारीख को होने वाला था वो अब 17 को होगा, जो 17 को होने वाला था वो 24 को होगा, और जो 24 को होने वाला था वो 28 को होगा. एक एक से मैंने शिफ्ट कर दिया है, बस लास्ट वाला 28 को होगा. ठीक है, तो दिस इज वन चेंज. शेड्यूल एक बार देख लेना, शेड्यूल पूरे टाइम देखते रहना, वेबसाइट में ये इंटीग्रेटेड है. और सेकेंड एक और चीज़ आपको बतानी है कि 18 तारीख को आपका एक पाइथन का असेसमेंट है. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड. मैं पहले से बताते आ रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से, 18 तारीख को हम अपना असेसमेंट लेंगे. असेसमेंट में MCQ क्वेश्चंस भी होंगे, कोडिंग क्वेश्चंस भी होंगे. आप चाहो तो 18 तारीख को भी दे सकते हो, आप चाहो तो 18 के बाद भी दे सकते हो. बट अगर आप 18 तारीख को दोगे तो हम आपको रिजल्ट बता पाएंगे, कि लीडर बोर्ड बता पाएंगे कि व्हाट वाज द रैंक, कितने मार्क्स आए, ये सब हम आपको बता पाएंगे. 18 के बाद दोगे तो हम आपको आपका लीडर बोर्ड रैंक नहीं बता पाएंगे. ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो तो 18 को देना. अगर आप 18 को बिजी हो तो फिर आगे जब मर्जी आपको देना आप दे सकते हो. ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ एक और आपके साथ डिस्कस करनी है कि मैंने आपको बोला था कि गोइंग फॉरवर्ड हर वीक हम लोग आपके साथ क्विज शेयर करेंगे ऑन द टॉपिक. जो हम उस वीक पढ़ रहे हैं उस वीक के ऊपर आपके साथ एक क्विज शेयर किया जाएगा फॉर पेड मेंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी ये जो नंपाई क्विज मैंने ऐड कर रखा है वीक 5 में, यू कैन गो एंड चेक. दिस इज बेसिकली अ गूगल फॉर्म जो इट कंटेन्स अराउंड 20 क्वेश्चंस ऑन नंपाई. तो जिन लोगों ने भी नंपाई के सेशंस ले लिए हैं, टास्क बना लिए हैं, उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जाके ये क्विज दे देना. गोइंग फॉरवर्ड हर वीक हम आपको एक क्विज भी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, और लास्ट चीज़, क्लास स्टार्ट करने के पहले वीक 6 स्टार्ट हो चुका है इस कोर्स में, 5 वीक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. वीक 6 का डाउट क्लियरेंस फॉर्म मैंने शेयर कर दिया है वेबसाइट के ऊपर भी और आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, लाइक मेंबरशिप टैब में
अब आपको इस वीक में जो भी डाउट्स आएंगे आप इस वीक इस फॉर्म में फिल कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्म में हमने एक ऑप्शन और दिया है आपको कि अगर आप चाहो तो आपका डाउट रिजोल्यूशन वाया मेल हो सकता है, आप हमें मेल करोगे हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे, या फिर अगर आप चाहो तो 1-on-1 ऑनलाइन सेशन के थ्रू भी हो सकता है। सो ये आपके ऊपर है, अगर आप 1-on-1 फेस टू फेस डिस्कशन करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना, अगर आपको लगता है कि ठीक है यार मुझे 1-on-1 सेशन नहीं करना आप बस मेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये चार चीज़ें मैंने बताई। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन इज अबाउट पैंडा सीरीज, तो आपको आज का सेशन साथ में अगर कोड करना है तो दो चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। फर्स्ट, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू यूज सम डेटा सेट्स, तो आपको डेटा सेट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है डेटा सेट्स को डाउनलोड करने का, उन सबको डाउनलोड कर लो। और सेकंड, आज का कोडिंग का फाइल ये रहा, गूगल कोलैब फाइल, इसको भी आप ओपन कर लो। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप डेटा सेट्स को अपलोड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा अभी तक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया, अनाउंसमेंट्स किए। अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों की सहमति चाहिए और जस्ट राइट क्लियर अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट है तो आप इस पॉइंट पे पूछ सकते हो और फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट गो थ्रू द चैट्स एंड देन आई स्टार्ट द क्लास। अनबे, यस, वो इंटरव्यू सेशन बताया तो था ना, शिफ्ट हो गया, एक एक से शिफ्ट हो गया, सैटरडे को लेंगे। आशीष, ऑल द कोलैब फाइल्स दैट यू हैव यूज्ड इन द सेशन, गो टू द वेबसाइट ना, campusx.ins वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर अ यूट्यूब मेंबर एवरीथिंग यू विल गेट हियर। अरे ये क्या हो गया, मेरा ही एंटीवायरस मेरे ही पेज को ब्लॉक कर रहा है, क्या हो रहा है ये। हाँ, दिस इज द वेबसाइट, यहाँ पे आपको किसी भी सेशन का कोडिंग, क्या है यार ये, कोडिंग और आपको टास्क मिल जाएगा, यहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है। ओके, और किसी का कुछ डाउट है क्या? आदित्य, नहीं, 18th वाले असेसमेंट में सिर्फ पाइथन होगा, नंपाई पैंडाज ये सब नहीं होगा। ओके, चलो फिर आई गेस। मिलिंद, इट विल टेक सम टाइम यार, पाइथन क्विज अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बना रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हम लोग कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे, जस्ट गिव अस सम टाइम, ठीक है। मुकेश, असेसमेंट का डेट है 18 तारीख संडे, ठीक है। चलो गाइस, फिर अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन एंड इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड अब कुछ सेशंस हमारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे ही पैंडास पढ़ना आप स्टार्ट करते हो ना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है पूरा का पूरा डेटा साइंस का पढ़ाई, ठीक है। तो आई नो पाइथन इंटरेस्टिंग है, नंपाई भी ठीक ठाक इंटरेस्टिंग है, बट पैंडास रियली इंटरेस्टिंग लगता है, क्यों? क्योंकि आप रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स के साथ काम कर पाते हो, ठीक है। तो हम लोग आज से पैंडास स्टार्ट कर रहे हैं, होपफुली 6 to 7 सेशंस में वी विल कम्प्लीट पैंडास, एंड माई गोल इज़ टू टीच यू पैंडास इन अ वे कि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी लेवल पे पैंडास में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हम लोग बहुत डीप में जाएंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे और हम लोग असेसमेंट्स करेंगे, हम लोग टास्क करेंगे, तो अच्छे से हम लोग पैंडास सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, अगर कोई बिगिनर है फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो उसके दिमाग में आ सकता है कि भाई पैंडास होता क्या है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर बोला जाए तो पैंडास इज अ लाइब्रेरी, ठीक है, इट इज अ लाइब्रेरी जस्ट लाइक नंपाई, ठीक है। क्या खासियत है पैंडास की, कि पैंडास इज अ फास्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो बेसिकली आपको मशीन लर्निंग के स्पेस में जब भी आप कोई प्रिडिक्टिव मॉडल बनाते हो, लेट्स से आप बना रहे हो एक रिकमेंडर सिस्टम, या आप बना रहे हो आई डोंट नो किसी तरीके का चर्न प्रिडिक्शन सिस्टम, तो किसी भी टाइप के प्रिडिक्शन मॉडलिंग में आपको पहले ये आइडिया होना चाहिए कि डेटा में चल क्या रहा है बॉस, ठीक है।
तो डेटा को समझने के लिए आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, और डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको पैंडास जैसा टूल ज़रूरी होगा, क्योंकि पैंडास इज़ अ टूल यूजिंग विच यू कैन डू एनी काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन. डेटा को पूरा खोल करके रख देता है, मतलब पोस्टमार्टम कर देता है डेटा का. गोइंग फॉरवर्ड आपको अगले दो वीक्स में समझ में आएगा कि पैंडास इज सो पावरफुल कि आप उसको किसी भी टाइप का डेटा ला के दो और आप उस डेटा के ऊपर किसी भी तरह का क्वेरी, किसी भी तरह का एनालिसिस, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर पाओगे यूजिंग पैंडास. अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि पैंडास की क्या खासियत है, तो मैंने यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया है. ये पैंडास का काइंड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है. यहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हो कि पैंडास के हाइलाइट्स क्या है. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड क्लास के बाद एक बार जाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ो. आई नो सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बट दो हफ्तों के बाद जब आप कंप्लीट कर चुके होगे पैंडास, आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आने लग जाएंगे. ठीक है, अब पैंडास में होता क्या है कि पैंडास में देर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे पाइथन में देर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पाइथन में देर इज लिस्ट, देर इज टपल, देर इज सेट. सिमिलरली आपका जो पैंडास होता है ना, उसमें भी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, उनमें से दो ऑब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा फेमस हैं और सबसे ज्यादा यूज होते हैं. एक का नाम है सीरीज और एक का नाम है डेटा फ्रेम. तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, और कल और परसों दो दिन हम लोग डेटा फ्रेम पढ़ेंगे. इसके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी हम लोग धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक. बट सबसे इंपॉर्टेंट जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई हमें करनी है, वो है सीरीज और डेटा फ्रेम. तो आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू सीरीज. आज हमें सीरीज को ऐसा पढ़ना है कि आज के बाद कोई डाउट ना आए. ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सीरीज होता क्या है. तो एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बोला जाए तो अ पैंडा सीरीज इज लाइक अ कॉलम इन अ टेबल. सिंपल सी बात है, इट इज अ 1D एरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप. बस यही है इसका डेफिनेशन. कोई अगर आपसे पूछ ले कि सीरीज क्या है, तो सीरीज इज बेसिकली अ 1D डेटा जहां पे आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो. या फिर और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि अगर आपके पास एक टेबल है तो उसका एक कॉलम को आप सीरीज बुला सकते हो. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. मान लो आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है, जहाँ पे स्टूडेंट में नेम कॉलम है, मार्क्स कॉलम है, कितना LPA का पैकेज लगा ये वाला कॉलम है, IQ कॉलम है. ठीक है, अलग अलग कॉलम्स हैं. तो यहाँ पे हर कॉलम को आप एक सीरीज बोल सकते हो. दैट नेम कॉलम इज अ सीरीज, मार्क्स कॉलम इज अ सीरीज, LPA इज अ सीरीज, IQ इज अ सीरीज. तो बेसिकली 1D सेट ऑफ नंबर्स को आप सीरीज बुला सकते हो. ठीक है, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है. अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बेसिक डेफिनेशन जानने के बाद हम लोग धीरे धीरे सीरीज के बारे में कोडिंग करके सीखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं सीरीज के अंदर, किस तरह के फंक्शंस होते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, सो दैट बाय द एंड ऑफ द सेशन आप कंप्लीटली मास्टर कर जाओ सीरीज डेटा टाइप को. ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग ऑफ द क्लास. सबसे पहली चीज़, अगर आपको सीरीज पढ़ना है, समझना है, उसको कोड करना है, तो आपको उसके लिए पैंडास को इम्पोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो आप इम्पोर्ट करते हो पैंडास यूजिंग दिस पीस ऑफ कोड. यू राइट इम्पोर्ट पैंडास एज PD. ठीक है, PD उसका निकनेम हो गया. ऑल्सो पैंडास जो है वो NumPy के ऊपर बना है, तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि जब भी आप पैंडास को इम्पोर्ट कर रहे हो, आप NumPy को भी इंपोर्ट कर लो. ऑल दो जरूरी नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड, काम आता है. कहीं ना कहीं पे आपको NumPy यूज करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो जनरली जब भी आप पैंडास को इंपोर्ट करोगे, साथ ही साथ आप NumPy को भी इंपोर्ट करोगे. दिस इज स्टेप 1. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज को पढ़ना. तो सीरीज क्या होता है ये तो समझ लिया, अब हम करेंगे सीरीज को कैसे बनाया जाता है, हम ये सीखेंगे. ठीक है, तो सीरीज को बनाने के अलग अलग तरीके हैं. हम लोग सबसे पहले सीरीज को बनाएंगे यूजिंग लिस्ट, पाइथन का लिस्ट. ठीक है, तो लिस्ट आपको ऑलरेडी पता है, इट इज़ बेसिकली एन एरे. तो हम एरेज को यूज़ करके सीरीज बनाएंगे. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मान लो आप अलग अलग कंट्रीज़ का नाम जो है उससे एक सीरीज बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओगे कंट्री, उसमें आप लिख दोगे इंडिया, पाकिस्तान, USA, नेपाल, श्रीलंका. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. और अब आप क्या करना चाहते हो, आप इस
लिस्ट से एक सीरीज बनाना चाहते हो तो क्या करना होता है इसके लिए, आप लिखोगे pd.series। सो पैंडास के अंदर सीरीज बोल के एक क्लास है, आप उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऑब्जेक्ट को आप ये कंट्री एज इनपुट दे रहे हो, और जैसे ही आप इसको रन कर रहे हो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी योर फर्स्ट सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपने पी डी डॉट सीरीज को कॉल किया, सीरीज इज अ क्लास इनसाइड पैंडास, आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, बेसिकली आपने कंस्ट्रक्टर में कंट्री वैल्यू पास किया और आपको आपका सीरीज मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एकदम अच्छे से कि सीरीज में होता क्या है। तो सीरीज में अगर आप नोटिस करो तो क्या दिखाई दे रहा है, जो आपने बनाया वो तो दिखाई दे ही रहा है, इंडिया पाकिस्तान यूएसए नेपाल श्रीलंका ये तो दिखाई दे ही रहा है, बट इसके अलावा भी अगर आप नोटिस करो तो हर आइटम के आगे एक नंबर है और इसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ द आइटम। तो कभी भी सीरीज जब भी आप बनाओगे ना उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वैल्यू जो आपने प्रोवाइड किया इंडिया पाकिस्तान यूएसए नेपाल श्रीलंका, और फिर दूसरा होता है इंडेक्स जो हर वैल्यू को असाइन होता है, जो पहला वैल्यू है उसको जो इंडेक्स असाइन होता है वो जीरो है, दूसरे वाले को वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर। तो बेसिकली नटशेल में अगर बोला जाए तो सीरीज ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, इंडेक्स और उसका वैल्यू, इंडेक्स और उसका वैल्यू। ठीक है, अब अगर आप आगे देखो तो आगे लिखा हुआ है डी टाइप, और डी टाइप में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सारी वैल्यूज हैं उनका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में पैंडास स्ट्रिंग्स को ही ऑब्जेक्ट बुलाता है, नॉट ऑलवेज बट 99% केसेस में आप ये मान के चल सकते हो कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो डेटा टाइप एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आई गेस आपने पहला सीरीज अपना बना के देखा और आपने रियलाइज किया कि स्ट्रिंग के अंदर दो चीज, सीरीज के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला होता है इंडेक्स जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और दूसरा होता है वैल्यूज जो आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बनाया है ये सिंपल एक स्ट्रिंग टाइप का सीरीज है, हम कुछ और टाइप का भी बना सकते हैं, लेट्स से हम किसी के किसी बैट्समैन के रन्स स्टोर करना चाहते हैं तो ये डेटा कैसा होगा, ये इंटीजर होगा, तो एक इंटीजर सीरीज बनाते हैं। मान लो ये एक बैट्समैन है जिसने पहले मैच में मारा 31, फिर मारा 24, फिर मारा 56, फिर मारा 78, फिर मारा 100, ये हमारा कोई बैट्समैन है और अलग अलग मैचेस में उसने कितने रन मारे ये इस लिस्ट में है। अब अगर आप इसको सीरीज में स्टोर करना चाहते हो तो आप बस पी डी डॉट सीरीज को कॉल करोगे और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दोगे रन्स एंड यू वुड सी ये रहा आपका सीरीज ऑब्जेक्ट 0, 13, 1, 24, 2, 56, 3, 78 और 400, और इस बार जो आपका डी टाइप है वो है इंटीजर 64। ठीक है, आप चाहो तो इसको फ्यूचर में इंटीजर 32, इंटीजर 16 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हमने ये डिस्कशन कर रखा है, बट यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो अभी तक आपने जो दोनों सीरीज बनाया वहां पे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स जो था खुद से जनरेट हुआ, बट अगर आप चाहो तो आप अपना खुद का भी इंडेक्स नेम प्रोवाइड कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास दो लिस्ट है, एक है मार्क्स जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए, मान लो एक में आए 67, एक में 57, एक में 89, एक में 100, और अब मैं सब्जेक्ट्स का भी नाम बता रहा हूँ कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो मेरा जो 67 आया है वो आया है मैथ्स में, बहुत वीक हूँ मैं मैथ्स में, 57 जो आया है वो इंग्लिश, इंग्लिश के तो क्या ही कहने, 89 जो आया है वो आया है लेट्स से साइंस में, रियली गुड एट साइंस, और 100 आया है हिंदी में बिकॉज हिंदी तो अपनी भाषा है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप एक ऐसा सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो जहाँ पे जो मार्क्स हैं वो वैल्यू बन के दिखाई दे और जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंडेक्स बन के दिखाई दे। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे pd.series और आप लिख दोगे मार्क्स, तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे आपको दिखाई देगा कि आपके सारे जो मार्क्स हैं वो तो वैल्यूज बन गए, बट हमें क्या चाहिए था कि हमारे सब्जेक्ट्स इंडेक्स बन जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक पैरामीटर होता है इंडेक्स बोल के, इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो सब्जेक्ट्स, और अब आप जिस कोड को जैसे ही रन करोगे यू वुड सी आपने जो डिफॉल्ट इंडेक्स थे उनको रिप्लेस कर दिया विथ योर ओन कस्टम इंडेक्स। अब ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है ये एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि भाई मैथ्स में बंदे के 67 आए, इंग्लिश में 57 आए, साइंस में 89 आए
और हिंदी में 100 है, ठीक है? आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अभी तक हमने दो तरीके से सीरीज बनाया, एक विथ खुद से बना हुआ इंडेक्स और एक कस्टम इंडेक्स, ठीक है? अब एक लास्ट चीज़ और, अगर आप चाहो तो आप अपने सीरीज ऑब्जेक्ट को एक नाम दे सकते हो जिसको आप फ्यूचर में बुला सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं इस कोड को और हम इसको एक नाम दे रहे हैं, और नाम देने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है, एक पैरामीटर होता है नेम, इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो नितिश के मार्क्स, ठीक है? एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हो, और अब आप इस कोड को जैसे ही रन करोगे यू वुड सी कि मैथ 67, इंग्लिश 57, सारा सब कुछ सब सेम है, बट यहाँ पे एक नेम बोल करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गया जहाँ पे मैंने उसको जो नाम दिया था वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब एक काम कर लेते हैं, इस सीरीज को लेट्स स्टोर इन अ वेरिएबल कॉल्ड मार्क्स, और ये रहा मार्क्स हमारे पास, दिस इज मार्क्स, ठीक है? यहां तक आई गेस समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि आप लिस्ट को यूज करके कैसे सीरीज बना सकते हो। अब मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूं कि आप डिक्शनरीज को यूज करके कैसे सीरीज बना सकते हो। अगेन बहुत सिंपल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मार्क्स बोल के एक डिक्शनरी बना रहे हैं, और इस डिक्शनरी में आई एम कॉपिंग द सेम इन्फॉर्मेशन जो हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया। आई विल जस्ट क्रिएट इट क्विकली, ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है? और मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस डिक्शनरी को यूज करके एक सीरीज बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मार्क्स या फिर मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और यहां पे मैं चुपचाप मार्क्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और अब जब मैं मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज को प्रिंट करूंगा यू वुड सी कि हमें सेम जो ऊपर आउटपुट था वो दिखाई दे जाएगा लाइक दिस। सो अगर आप चाहो तो आप लिस्ट को यूज करके भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो डिक्शनरी को यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है? यहां पर मैं क्विकली नेम दे देता हूं, नितिश के मार्क्स, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या किया, हमने दो चीजें सीखी कि सीरीज को कैसे बनाना है यूजिंग अ लिस्ट, और सीरीज को कैसे बनाना है यूजिंग अ डेटा फ्रेम। यहां तक अगर आपको कोई परेशानी है तो लेट मी नो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी क्लास में। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स एंड नितिश के मार्क्स, बोथ आर नेम ऑफ दैट सीरीज। नहीं अक्षिता, मार्क्स इज अ रेफरेंस वेरिएबल वेयर एज नितिश के मार्क्स इज एन एट्रीब्यूट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस। नितिन वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द असाइनमेंट्स इन फ्री सेशन, मतलब पता नहीं आपको क्यों नहीं मिल रहा। यस पुरुषोत्तम, डिक्शनरी पास करने से ऑटोमेटिकली कीज जो हैं वो इंडेक्स बन जाते हैं और जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू बन जाते हैं। नेहा वी गिव नेम बिकॉज मैं आपको इसका आंसर कल दे पाऊंगा, कल जब हम लोग डेटा फ्रेम के साथ काम करेंगे ना वहाँ पे आई विल एक्सप्लेन कि सीरीज में नाम क्यों दिया जाता है। कल इसका आंसर ज़्यादा सही से आएगा, आज कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये सबका वही डाउट आ रहा है नेम क्यों दिया जाता है, जस्ट गिव मी 24 आवर्स, कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नाम का क्या ज़रूरत है, डोंट वरी। इनफैक्ट हो सकता है आज के सेशन में भी मैं आपको बता पाऊँ, जब हम लोग एक्चुअल डेटा सेट्स के साथ काम करेंगे वहाँ पर आई विल बी एबल टू शो यू कि नाम की क्या ज़रूरत है। चलो फिर हो गया, फिर क्लियर, आगे बढ़े। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, ये उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिनको ओओपी समझ में आ गया, कि ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स में आप कर क्या रहे हो कि आप सीरीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। सो बेसिकली ये जो मार्क्स है जिसको हम सीरीज बोल रहे हैं वो एक्चुअली सीरीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट है,
तो सीरीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब सीरीज क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं और जो भी मेथड्स हैं उनको ये एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो अब मैं आपको कुछ बहुत यूजफुल एट्रीब्यूट्स दिखाऊंगा जो गोइंग फॉरवर्ड आप बहुत यूज करते हो जब भी आप सीरीज ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है साइज। साइज ये बताता है कि आपके सीरीज के अंदर कितने आइटम्स हैं, ठीक है। आइटम्स का मतलब वैल्यूज। सो अगर आप बात करो मार्क्स का, तो मार्क्स में हमने 4 आइटम्स ऐड किए थे, राइट। सो देयर वाज 67, अच्छा नहीं मार्क्स नहीं, मार्क्स सीरीज, मार्क्स सीरीज जो था इसमें 4 आइटम्स थे, 67, 57, 89 और 100। तो अगर जो साइज है अगर आप इसको कॉल करते हो तो क्या होगा, ये आपको बता देगा कि आपके सीरीज के अंदर कितने आइटम्स हैं। तो क्विकली बताने का तरीका है कि एक सीरीज के अंदर कितने आइटम्स होते हैं, सिंपल सी बात है। अगला है डी टाइप। डी टाइप जल्दी से आपको बता देगा कि आपके सीरीज के अंदर जो आइटम्स हैं उनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। सो इंटीजर 64 है बिकॉज हमने सारे मार्क्स स्टोर किए। अगला है नेम एट्रीब्यूट, जो झट से आपको निकाल के बता देगा आपके सीरीज ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, जैसे इस केस में आ जाएगा नितिश का मार्क्स, ठीक है। अगला है इज यूनिक, ये थोड़ा काम का है और फ्यूचर में शायद आप कई बार यूज करोगे। इज यूनिक ये बताता है कि आपके सीरीज के सारे आइटम्स यूनिक है या नहीं, ठीक है। सो अगर मैं इसको मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज पे चलाऊं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। व्हाई? बिकॉज हमारा ये जो मार्क्स वाला सीरीज है इसमें कोई भी आइटम रिपीट नहीं कर रहा। अगर आइटम रिपीट करेगा तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। मान लो हम एक सीरीज बना रहे हैं pd.series और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दिया 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये मेरा सीरीज है। अब मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, इज यूनिक। सो मैंने एक ही स्टेप में पहले सीरीज बना लिया और सीधे उसके ऊपर इज यूनिक एट्रीब्यूट चला दिया। ये मुझे क्या देगा, फॉल्स, बिकॉज 1 और 1 रिपीट कर रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अगला है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है कि एक साथ आपके सारे के सारे इंडेक्स जो है ना उनको निकाल के आपको दिखा देता है। सो अगर मैं अपना मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ूं और इसके ऊपर इंडेक्स एट्रीब्यूट चलाऊं तो ये मुझे एक इंडेक्स ऑब्जेक्ट देता है, इसको इंडेक्स ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और इसके अंदर आपके सारे के सारे इंडेक्स वैल्यूज स्टोर्ड होंगे, ठीक है। सो अगर मैं ऊपर जाऊं और ये जो मैंने सबसे पहले बनाया था, मान लो ये एक वेरिएबल था, लेट्स से रन्स अंडरस्कोर सीरीज, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया था। अगर मैं नीचे जाऊं और इसके ऊपर सेम चीज रन करूं कि मैं यहां पे गया और मैंने रन किया रन्स अंडरस्कोर सीरीज डॉट इंडेक्स, तो ये मुझे सारे के सारे इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा और उस वाली सीरीज में जो इंडेक्स है वो 0 से लेके 4 तक है, तो ये रेंज इंडेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली नंबर्स जनरेट कर रहे हैं 0 से लेके 4 तक, ठीक है। अगर आप इसका टाइप निकालो तो ये आपको बता देगा इट इज़ अ रेंज इंडेक्स ऑब्जेक्ट, और ये बस एक काइंड ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिनका काम है इंडेक्स वैल्यूज जनरेट करना इन अ गिवन रेंज, दैट्स इट। इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, यू गेट द आइडिया। इंडेक्स को कॉल करने से आपको आपके सारे जो इंडेक्सेस हैं सीरीज के अंदर वो मिल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट कि आपको सारे वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए होता है वैल्यूज एट्रीब्यूट। अगर आप लिखो मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज डॉट वैल्यूज, अगर आप इसको रन करो तो ये आपको सारे के सारे मार्क्स निकाल के दे देगा, ठीक है, इनसाइड अ नंपाई एरे। सो जब भी आप वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हो आपको मिलता है एक नंपाई एरे। कैसे पता, देख के भी समझ में आ रहा है और अगर आप चाहो तो टाइप के अंदर डाल के भी पता कर सकते हो कि जो रिजल्ट आया वो क्या है। यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट, इट्स अ नंपाई एनडी एरे, ठीक है। तो ये दोनों भी आप फ्यूचर में काफ़ी यूज करोगे। कई बार आपको ऐसा ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पे आपको
इंडेक्स के ऊपर काम करना हो सकता है या फिर सिर्फ वैल्यूज के ऊपर काम करना हो सकता है. तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स आर वेरी वेरी यूजफुल. तो हमने पांच एट्रीब्यूट्स देखे. कौन कौन सा? पांच नहीं, छह देखे. हमने देखा साइज, जो हमें बताता है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं. डी टाइप, डेटा टाइप बताता है. नेम, सीरीज का नाम बताता है. इज यूनिक, ये बताता है कि सारे आइटम्स यूनिक हैं कि नहीं. इंडेक्स और वैल्यूज, इंडेक्स और वैल्यूज को अलग करने के लिए. ठीक है, तो ये कुछ छह एट्रीब्यूट्स हैं सीरीज के ऊपर जो आप फ्यूचर में काफी यूज करने वाले हो. ठीक है, तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज राइट क्लियर, हम लोग आगे बढ़ेंगे. यस, आइटरेशन इज पॉसिबल गोइंग फॉरवर्ड क्लास में, आई विल शो यू, डोंट वरी. आई गेस थिंग्स आर क्लियर. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. और अब यहां से इंटरेस्टिंग होगी क्लास, बिकॉज अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि सीरीज को आप कैसे बना सकते हो यूजिंग अ एग्जिस्टिंग डेटा सेट. सो हम क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने सीरीज को दो तरीके से बनाया, एक पाइथन लिस्ट यूज करके और दूसरा डिक्शनरी यूज करके. अब मैं सीरीज बनाऊंगा यूजिंग रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स. ठीक है, तो एक फंक्शन होता है पैंडास में, और गोइंग फॉरवर्ड आप शायद उसको लाखों बार यूज करोगे. इस फंक्शन का नाम होता है रीड सीएसवी. इसका काम होता है सीएसवी फाइल्स रीड करना. सीएसवी फाइल्स क्या होती हैं? सीएसवी फाइल्स आर बेसिकली एक्सेल जैसी फाइल्स जहाँ पे सारी वैल्यूज आर कॉमा सेपरेटेड. सीएसवी का फुल फॉर्म ही होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का. सो आज मैंने आपको तीन डेटा सेट्स दिए थे, उनमें से एक डेटा सेट है ये बॉलीवुड डॉट सीएसवी. तो दिस इज अ सीएसवी फाइल. अगर आप देखना चाहो कि सीएसवी फाइल कैसा दिखता है तो आप उसको गूगल शीट या फिर एमएस एक्सेल टाइप के सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो. और दिस इज अ सीएसवी फाइल. इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल एक्सेल फाइल, बट जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हो तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू ये एक्सपोर्ट होता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इन फाइल्स के थ्रू सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है. कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा. मैं आपको तीन एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा. हम क्या करेंगे, हम तीन डेटा सेट्स को इंपोर्ट करेंगे इनसाइड दिस फाइल, और हम उन तीन डेटा सेट्स को यूज करके तीन अलग सीरीज ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे. ठीक है, तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, कि ये जो आपको तीन डेटा सेट्स दिए गए हैं आपको इन तीनों को डाउनलोड करना है. ठीक है, ये तीनों को डाउनलोड करना है. सो डाउनलोड कैसे करना है, आई गेस द राइट क्लिक करने से ऑप्शन आ जाएगा. ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इससे डाउनलोड कर लेना, फिर इसको भी डाउनलोड कर लेना और इसको भी डाउनलोड कर लेना, तीनों को डाउनलोड कर लेना. अब आप क्या करोगे, आप गूगल कोलैब में जाओगे, ये फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करोगे, और यहाँ से यू वुड अपलोड ऑल द फाइल्स. ठीक है, सो मेरे केस में डेस्कटॉप पे है बॉलीवुड डॉट सी एस वी, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ. फिर दूसरा जो है उसका नाम है कोहली अंडरस्कोर आई पी एल, उसको भी अपलोड कर रहा हूँ. और तीसरा है सब्स डॉट सी एस वी, इसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ. सो ये रहे तीन डेटा सेट्स, मैंने तीनों को इम्पोर्ट कर लिया ऑन गूगल कोलैब. ठीक है, तो ये आपको जल्दी से करना है, पहले डाउनलोड किया फिर हमने अपलोड किया. ठीक है, सो इस पॉइंट पे यू कैन सी मेरे पास कोलैब के अंदर फिलहाल दो ही दिख रहे हैं. एक बार फिर से मैं बॉलीवुड वाला कर लेता हूँ ओपन. आई जस्ट वेट बॉलीवुड डॉट सी एस वी अपलोड हो जाए. ये देखो गाइस, ये तीनों फाइल्स अब मेरे पास आ चुकी हैं और अब मैं इनको यूज़ करूँगा. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्स डॉट सी एस वी वाली फाइल को अप सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट मी फर्स्ट शो यू कि ये सब्स डॉट सी एस वी क्या है. सो ये सब्स डॉट सी एस वी एक्चुअली मेरे ही चैनल का डेटा है. सो ये पिछले 365 दिनों में हर दिन मेरे चैनल ने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए, इसका डेटा है. फिर से सुन लो ये डेटा क्या है. सो इस डेटा में देर आर 365 रोज, देर आर 365 नंबर्स, एंड ईच नंबर रिप्रेजेंट्स कि मैंने पर डे
एज इन मेरे चैनल ने पर डे कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए पिछले एक साल में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को उठाना है फाइल से और उसको एक सीरीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेट मी शो यू कैसे करोगे आप ये काम। सो आप ये कोड लिखोगे, आप लिखोगे pd.read_csv। सो read_csv इज अ फंक्शन जो csv फाइल्स को इंपोर्ट करता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइल का पाथ बताना पड़ेगा कि फाइल कहाँ पर है। सो फाइल का पाथ के लिए आप इन तीन डॉट्स पे क्लिक करो, कॉपी पाथ पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो लाइक दिस। ये रहा पाथ, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली इतना करके रन करूँ तो भी यू कैन सी कि डेटा इम्पोर्ट हो गया, बट ये जो डेटा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज नॉट अ सीरीज। ये एक्चुअली आप फिगर आउट कर सकते हो अगर आप इस पूरी चीज को टाइप के अंदर डालो और इसको जैसे ही आप रन करोगे यू वुड सी कि जो टाइप है वो सीरीज नहीं है, वो डेटा फ्रेम है। मैंने बताया था सीरीज पैंडास में दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, पहला सीरीज, दूसरा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम हम लोग कल पढ़ेंगे, बट pd.read_csv जो है ना वो उसका डिफॉल्ट मैकेनिज्म क्या है कि वो जब भी डेटा को रीड करके लाता है ना डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में स्टोर करता है, ना कि सीरीज के फॉर्मेट में। सो अगर आपको एक्सप्लिसिटली इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। लेट मी शो यू क्या चेंज करोगे और ये सीरीज बन जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्क्वीज बोल के पैरामीटर होता है, इसको ट्रू करना होगा। और जैसे ही आप स्क्वीज इज इक्वल टू ट्रू करोगे ये देखो क्या होगा, ये देखो ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया। कैसे पता, बहुत सिंपल तरीका है, आप टाइप में जाओ और इस पूरी चीज को टाइप के अंदर डाल दो और रन कर दो एंड यू कैन सी नाउ दिस इज अ सीरीज, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पहला सीरीज। सो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ एंड लेट मी कॉल इट सब्स। और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ सब्स और एक बार देखते हैं डेटा दिखाई कैसा दे रहा है। सो यू कैन सी ये हमारा सिंपल YouTube का डेटा है। सो एक साल पहले जो भी ये डेट था इस दिन मेरे चैनल पे 48 सब्सक्राइबर्स आए, उसके अगले में 57 आए और आज या पता नहीं कल 172 आए, उसके पहले 144 आए, उसके पहले 155 आए, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये पूरा डेटा नहीं दिखाई दे रहा, बीच में जो वैल्यूज हैं वो ट्रंकेटेड है, हटा दी गई हैं, राइट। सो ये पैंडास का इंटरनल मैकेनिज्म है कि जब भी उसको दिखाई देता है कि आपके पास बहुत सारे रोज हैं वो बीच में से डेटा को साफ कर देता है, सिर्फ ऊपर के पांच दिखाता है और नीचे के पांच दिखाता है, शुरू के पांच, लास्ट के पांच, बीच का सब कुछ को ट्रंकेट कर देता है। आई गेस आप समझ पा रहे हो पैंडास ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। मान लो आपने एक ऐसा डेटा सेट इम्पोर्ट किया जिसमें 10 लाख रोज हैं, तो पूरा 10 लाख रोज अगर दिखने लग जाए तो बहुत बड़ा पेज बन जाएगा एंड यू विल हैव टू स्क्रोल अ लॉट। तो दैट इज़ वाई ये इलिप्सिस इम्प्लीमेंट किया गया और ट्रंकेट कर दिया गया डेटा। जो भी है यहाँ पर अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो गाइस, आप लोग पूछ रहे थे नेम का क्या फ़ायदा है, ये देखो नेम का क्या फ़ायदा है कि उसने ऑटोमेटिकली एक नेम फेच कर लिया सब्सक्राइबर्स गेन्ड। और ये सब्सक्राइबर्स गेन्ड एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो हमारे डेटा सेट के अंदर इस कॉलम का नाम है सब्सक्राइबर्स गेन्ड। पता नहीं इसमें दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, बट लेट मी ट्राई। ये देखो ये जो टेबल है, सो असेंशली आप इसको एक टेबल मान सकते हो विथ वन कॉलम, राइट। और उस कॉलम का नाम क्या है, सब्सक्राइबर्स गेन्ड। और यही हमारा ऑटोमेटिकली नेम बन गया जब हमने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नेम में क्या स्टोर होता है, कॉलम का नाम, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट किया पहला सीरीज। अब मैं झट से आपको दो और सीरीज इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। सो अगला है kohli_ipl.csv। लेट मी शो यू ये क्या डेटा है। सो ये एक डेटा है जहाँ पर कोहली ने, विराट कोहली, इफ़ यू फॉलो क्रिकेट, अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए हु इज़ विराट कोहली। सो विराट कोहली ने IPL के हर मैच में कितने रन्स बनाए हैं। सो विराट कोहली ने जो पहला मैच खेला था IPL का उसमें उसने एक रन बनाया था।
जो दूसरा मैच खेला था उसमें 23 रन बनाए थे, तीसरे मैच में 13 बनाए थे एंड सो ऑन. सो बेसिकली विराट कोहली ने जितने भी आईपीएल मैचेस खेले हैं हर मैच में उसने कितने रन्स बनाए उसका डेटा मेरे पास है. ठीक है, अब ये वाला जो डेटा है इसमें एक कॉलम नहीं है, इसमें दो कॉलम्स है, एक है मैच नंबर, दूसरा है रन्स कितने बनाए. तो अब हमें इसको इम्पोर्ट करना है. ध्यान से देखो हम इसको कैसे इम्पोर्ट करेंगे. हम लिखेंगे pd.readcsv, यहाँ पे हम फिर से पाथ स्पेसिफाई करेंगे, पाथ के लिए हम कॉपी पाथ पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. अब यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं. सो जैसे कि मुझे ये बताना है कि इंडेक्स कौन सा कॉलम बनेगा, राइट. तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स कॉलम है मैच अंडरस्कोर नंबर. जस्ट वन सेकेंड गाइस, कैमरा फ्रीज कर गया क्या? नहीं, ओके सही है. हाँ तो ये आपने बता दिया कि इंडेक्स कॉलम क्या होगा, मैच नंबर. और फिर आप यहां पे भी क्या कर दोगे, स्क्वीज इक्वल्स ट्रू. ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं. ये देखो दिस इज द कोड. पहले आपने पाथ प्रोवाइड किया, फिर आपके पास दो कॉलम्स थे तो आपने बोल दिया कि उसमें से जो मैच नंबर है ना उसको आप इंडेक्स बना देना, और फिर आपने स्क्वीज इक्वल टू ट्रू कर दिया ताकि डेटा फ्रेम ना बने, सीरीज बन जाए. ये देखो इसको रन करते हैं और ये भी देखो हमारे पास हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट आ गया. यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हुआ है, हमने प्रोवाइड किया है, हमारा कॉलम है. ठीक है, सो इसका नाम है रन्स, इस सीरीज का नाम है रन्स, बिकॉज यहाँ पर यू कैन सी कि लेट मी शो यू द थर्ड डेटा. यू कैन सी कि आपका जो सेकेंड कॉलम है जिसको आपने वैल्यूज बनाया उसका नाम यहाँ पे रन्स है, दैट इज वाई इस सीरीज का नाम रन्स हो गया. ठीक है, तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स कॉल इट वीके, वीके एज इन विराट कोहली. सो ये हो गया हमारा सेकेंड इम्पोर्ट. अब झट से मैं आपको थर्ड इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ. थर्ड है bollywood.csv. सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सेट है, इसमें भी दो कॉलम्स हैं, पहला है मूवी का नाम, दूसरा है मेन एक्टर का नाम. ठीक है, सो यहाँ पे अराउंड 1500 मूवीज़ हैं, 2001 ऑनवर्ड्स बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज़ आई हैं ये उसका डेटा सेट है. हमने अराउंड 1500 मूवीज़ का डेटा सेट बनाया है. ठीक है, तो इसको भी हम लोग इम्पोर्ट करेंगे. देखो कैसे, फिर से हम लोग लिखेंगे pd.readcsv, हम यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करेंगे, सो वी विल कॉपी एंड पेस्ट. उसके बाद हम ये बताएंगे कि कौन सा कॉलम इंडेक्स बनेगा. सो हमारे केस में हम लोग मूवी वाले कॉलम को इंडेक्स बना रहे हैं, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्क्वीज इक्वल्स ट्रू, और ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा फ्रेम को सीरीज में कन्वर्ट कर देगा. सो दिस इज द आउटपुट, इसको हटा देते हैं. ये देखो दिस इज अ सीरीज, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, मूवी का नाम, और वैल्यू क्या है, लीड एक्टर. ठीक है, और फिर से देखो नेम क्या है सीरीज का, लीड. हमेशा वो कॉलम का नाम नेम बनेगा जो वैल्यूज में घुसेगा. ठीक है, एंड डी टाइप इज ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली सारी वैल्यूज आर स्ट्रिंग्स. ठीक है, इसको भी हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट मूवीज, और मूवीज को प्रिंट करा लेते हैं लाइक दिस. सो यू कैन सी हमने अभी जस्ट तीन और सीरीज बनाई, बट अलग तरीके से, हमने रियल वर्ल्ड डेटा को इम्पोर्ट किया और उसको सीरीज में कन्वर्ट किया यूजिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल्ड रीड सी एस वी. रीड सी एस वी का डिफॉल्ट बिहेवियर इज कि वो इनपुट को रीड करके डेटा फ्रेम में स्टोर करता है, बट हमने उसको ओवरराइड करके सीरीज में स्टोर करवाया यूजिंग दिस स्क्वीज पैरामीटर. ठीक है, तो अभी हमने जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जो फ्यूचर में आप बहुत बार करोगे. सो लेट मी नो अगर आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया. कुछ लोगों को एरर दिखाई दे रहा है क्या? पंकज इज आस्किंग ये डेटा कहाँ से मिला. ये डेटा मिला कैगल बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने क्रिएट किया थोड़ा कोड वोड लिख करके.
आर्टिफिशन वाई वी कन्वर्ट डेटा फ्रेम इंटू सीरीज, बिकॉज आज का क्लास का टॉपिक है सीरीज, तो उसको पढ़ने के लिए। यस टेक प्रॉफ, उसका वही मतलब है। स्क्वीज यार बेसिकली सिंपल सा काम कर रहा है, डेटा फ्रेम नहीं बनने दे रहा है, सीरीज बना दे रहा है। बताया तो हम लोग सीरीज इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज आज की क्लास का टॉपिक है सीरीज। गोइंग फॉरवर्ड आप ऐसा नहीं करोगे, आप डेटा फ्रेम ही रहने दोगे, बट सिंस आज हमें सीरीज के बारे में पढ़ाई करनी है तो हमने सीरीज बनाया, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। क्लियर लिखो फिर यार, अगर समझ में आ गया तो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग इन तीनों डेटा सेट्स के ऊपर काम करेंगे। येस वीडियो फाइट इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 DIR, ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ था। आदित्य अगर आप इंडेक्स नहीं बताओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो कॉलम्स के साथ सीरीज बनेगा ही नहीं, अगर आप एक कॉलम वाला पास करोगे तो कस्टम इंडेक्स प्रोवाइड हो जाएगा। यस रोहित, अभी हमने जस्ट ऊपर बनाया ना एक कॉलम से। श्री, अगर स्क्वीज फॉल्स होगा तो डेटा फ्रेम बनेगा, डिफॉल्ट बिहेवियर इज फॉल्स। चलो फिर गाइज आगे बढ़ते हैं, तीनों डेटा सेट्स हमने इम्पोर्ट कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन डेटा सेट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज के मेथड्स, और ये ऐसे मेथड्स हैं ना जो आप गोइंग फॉरवर्ड बहुत यूज़ करोगे, बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ हेड एंड टेल मेथड। सो हेड क्या होता है? हेड इज बेसिकली अ मेथड जो आपको डेटा का प्रीव्यू देता है, राइट? हो सकता है आपके डेटा में 10 लाख रोज हैं, बट आपको सिर्फ डेटा का प्रीव्यू लेना है कि भाई कैसा दिखता है डेटा, कितने कॉलम्स हैं, किस तरह की वैल्यूज हैं, तो आप हेड फंक्शन यूज करते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं, मान लो अगर आप सब्स वाला जो मेरा सीरीज है उसके ऊपर अगर आप हेड लगाते हो तो क्या दिखाई देगा। ये देखो, ये रहे मेरे पहले 5 दिनों का सब्सक्राइबर गेन, ठीक है, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5। सो हेड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको टॉप के 5 रोज निकाल के देगा हमेशा, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो आप अपने पसंद से कितने भी रोज फेच कर सकते हो। लेट्स से मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये लिख सकता हूँ जैसे कि VK.head3। तो ये हो गए विराट कोहली के पहले 3 मैचेस में उसने कितने रन्स बनाए, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट टॉप 5 रोज दिखाई देंगे, और अगर आप चाहो तो आप कितना भी स्पेसिफाई कर सकते हो, आप 1 स्पेसिफाई कर सकते हो, 3 स्पेसिफाई कर सकते हो, 100 स्पेसिफाई कर सकते हो, तो बेसिकली टॉप उतना निकल के आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसी का एक भाई होता है टेल बोल के। टेल क्या करता है, टेल लास्ट के 5 रोज निकाल के दिखाता है। सो अगर मैं देखना चाहूँ कि विराट कोहली ने अपने लास्ट 5 IPL मैचेस में कितने रन्स बनाए, तो आप ये कोड लिखोगे VK.tail, और ये आपको लास्ट 5 मैचेस का रन निकाल के बताएगा। यू कैन सी सबसे लास्ट मैच जो भी खेला है इस IPL में उसमें 7 रन्स थे, उसके पहले वाले में 25, उसके पहले 73, उसके पहले 20 और उसके पहले 0। हेड ऊपर से 5 बताता है, टेल नीचे से 5 बताता है, एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए लास्ट 10 मैचेस के रन तो आप 10 प्रोवाइड कर दो, ये रहे उसके लास्ट 10 मैचेस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हेड और टेल क्या करता है। हेड टॉप 5, टेल बॉटम 5 निकाल के बताता है, बट कितने नंबर्स निकालने हैं ये आप चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके का एक और होता है सैम्पल। सैम्पल क्या करता है कि सैम्पल रैंडमली 1 रो निकाल के दिखाता है आपके पूरे डेटा में से, 1 रो रैंडमली, ठीक है। लेट मी फर्स्ट शो यू। सो मान लो हमारे पास मूवीज है, मूवीज में मैंने सैंपल को चलाया तो ये रैंडमली 1500 मूवीज में से कोई एक मूवी निकाल के आपको दिखा देगा। ये देखो, सो दिस इज द मूवी, गुड बॉय बैड बॉय, एंड एक्टर इज अकेडमी अवार्ड विनर तुषार कपूर। अगर आप फिर से चलाओ तो पिंक, तापसी पन्नू, अगर आप फिर से चलाओ तो बेसिकली रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, चेहरा बिपाशा बसु, ठीक है। यहां पर भी इफ यू वॉन्ट आप नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मुझे रैंडमली 5 निकाल के बताओ, 5 मूवीज, तो आप यहाँ पे 5 दे सकते हो और वो रैंडमली 5 आपको निकाल के दे देगा। दीज आर लाइक रैंडमली सेलेक्टेड मूवीज,
रैंडमली सेलेक्टेड मूवीज। अब सोच के देखो क्या फ़ायदा हो सकता है, सैम्पल कब यूज़ करना चाहिए। सो सैम्पल आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपके डेटा में किसी तरीके का बायस है, जैसे कि लेट्स से आपके क्लास में मतलब स्टूडेंट्स हैं और आपने स्टूडेंट्स का डेटा बनाया, बट आपने डेटा को कैसे अरेंज कर दिया मार्क्स के हिसाब से, सबसे बढ़िया वाले स्टूडेंट्स टॉप पे चले गए और जिनके मार्क्स कम हैं वो स्टूडेंट्स बॉटम पे चले गए। तो ऑब्वियसली अगर आप ऊपर से बच्चों को उठाओगे तो वो बहुत अकेडमिकली स्ट्रांग बच्चे निकलेंगे, अगर आप नीचे से बच्चों को उठाओगे तो वो अकेडमिकली पुअर बच्चे निकलेंगे। आपको ये नहीं चाहिए, आपको रैंडमली एक बच्चा चाहिए बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू हैव अ बायस, तो आप सैम्पल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सैम्पल रैंडमली जनरेट करके आपको देता है। ठीक है, तो हमने अभी दो फंक्शंस पढ़े, हेड और टेल एंड सैम्पल। ठीक है, इन दोनों में अगर कोई डाउट है गाइस तो लेट मी नो, हेड और टेल और सैम्पल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, डेटा रीड नहीं हो रहा है। सुमन साइन देखो यार क्या हो रहा है। डेटा कितने लोगों का रीड नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ द इशू दैट यू आर फेसिंग। होना तो नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा था। गाइस कितने लोगों का डेटा रीड होने में प्रॉब्लम हो रहा है एक बार बताना। अगर किसी का सॉल्यूशन निकल गया है डेटा में जो एरर आ रहा था तो प्लीज़ एक बार अपना सॉल्यूशन पेस्ट कर दो यार चैट में। कोई बोल रहा है यूनिकोड एरर होगा इसलिए रीड नहीं हो रहा है, तो एक बार किसी को अगर सॉल्यूशन मिल गया तो पेस्ट कर देना उसको चैट में। ठीक है, अदरवाइज डोंट वरी, अभी क्लास फॉलो कर लो, क्लास के बाद अगर नहीं होगा तो आपको हम लोग हेल्प कर देंगे। वही है, कुछ लोगों का रीड हो रहा है कुछ लोगों का रीड नहीं हो रहा, दैट इज़ वियर्ड, होना चाहिए सभी का, डेटा में तो बहुत सिंपल है डेटा। ठीक है गाइस चलो रुक नहीं सकते बीच में बिकॉज फिर सेशन स्लो हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं और इस फंक्शन का नाम है वैल्यू काउंट्स। ठीक है, तो वैल्यू काउंट्स क्या करता है कि डेटा में हर आइटम का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको बताता है। ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करके बताता हूँ। सो ये हमारा मूवीज़ वाला डेटा है, इस मूवीज़ वाले डेटा में देर आर 1500 मूवीज़, 1500 मूवीज़ हैं। अब मान लो कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई हमें ये निकाल के बताओ कि हर एक्टर ने कितनी मूवीज़ की हैं तो कैसे निकालोगे, राइट? तो बेसिकली मुझे ये पता करना है कि विकी कौशल ने कितनी मूवीज़ की है, अनुपम खेर ने कितनी मूवीज़ की हैं, इमरान हाशमी ने कितनी मूवीज़ की हैं, शाहरुख खान ने कितनी मूवीज़ की हैं, हर एक्टर ने कितनी मूवीज़ की हैं, ये मुझे निकालना है। सो बेसिकली हर वैल्यू का फ्रीक्वेंसी काउंट निकालना है कि वो वैल्यू डेटा में कितनी बार है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत काम का फंक्शन होता है जो अगेन फ्यूचर में आप बहुत यूज़ करोगे और इस फंक्शन का नाम है वैल्यू काउंट्स। सो आपने लिखा मूवीज, आपके सीरीज का नाम डॉट वैल्यू काउंट्स, इसको आप जैसे ही रन करोगे आपका हर एक्टर और उसने कितनी मूवीज की हैं वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यू कैन सी ये जो पूरा पीरियड है 2001 से लेके 2022 तक, उसमें सबसे ज्यादा मूवीज अक्षय कुमार ने की है 48, उसके बाद अमिताभ बच्चन 45, अजय देवगन 38, सलमान खान 31 एक्सेट्रा। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड यार, लेट मी सी, कैमरा फ्रीज हो रहा है क्या? हाँ कैमरा चला गया, जस्ट वन सेकेंड, अच्छा वापस आ गया, जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस। सो ये होता है वैल्यू काउंट्स, लेट मी नो अगर आपको वैल्यू काउंट समझ में आया। वैल्यू काउंट्स इज अ वेरी वेरी यूजफुल फंक्शन जो सिंपली आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका फ्रीक्वेंसी निकाल के बता देगा डेटा के अंदर। ये काम आप खुद भी कर सकते थे लूप चला करके, बट बहुत कस्टम कोड लिखना पड़ता। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ लाइब्रेरीज लाइक पैंडास कि इस तरह का कस्टम लॉजिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पैंडास आपको बिल्ट इन फंक्शंस देता है जिनको यूज़ करके झट से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। जस्ट वन सेकेंड,
यू नो द नेम ऑफ द फंक्शन इज वैल्यू काउंट्स. वैल्यू काउंट तो आई डोंट थिंक इज अ फंक्शन. विशांत सीरीज समझो आज, डेटा फ्रेम कल समझाएंगे, अभी भूल जाओ. ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला जो मेथड है, जो अगेन इज अ वेरी फेमस मेथड और फ्यूचर में आप बहुत यूज करोगे, उसका नाम है सॉर्ट वैल्यूज. नाम से समझ में आ रहा है क्या करता होगा ये, सारी वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा. सो लेट्स से किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ विराट कोहली का आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो कैसे निकालोगे? आपके पास हर मैच में उसने कितने बनाए ये है. आप क्या करोगे, आप उस डेटा को उठाओगे वीके डॉट, उसके ऊपर ये कोड चलाओगे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज. ये फंक्शन को आप जैसे ही कॉल करोगे, आपका पूरा का पूरा जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में. सो सबसे कम वाले जो रन्स उसने बनाए हैं वो सबसे ऊपर आ जाएगा और सबसे ज़्यादा वाले नीचे चले जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर. बट अगर आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो. यहाँ पर एक हिडन पैरामीटर होता है असेंडिंग, इसका वैल्यू अगर आप फॉल्स कर दो जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा. और ये देखो सबसे हाईएस्ट स्कोर सबसे ऊपर आ गया. अब आपको तो टॉप मोस्ट स्कोर चाहिए था, तो आप क्या करोगे, ये जो सॉर्ट वैल्यूज करने के बाद आपको जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है ये खुद भी सीरीज है, तो सीरीज के ऊपर आप हेड चला सकते हो. तो आपने हेड चला दिया और हेड में आपने वन पास कर दिया, तो ये आपको टॉप रो निकाल के दिखा देगा. और वो टॉप रो क्या है, ये. अब इसमें भी अगर आपको सिर्फ रन्स प्रिंट करने हैं तो आपको ये 128 प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 128 क्या है, मैच नंबर. तो आप बस इसके आगे डॉट वैल्यूज लगा सकते हो और ये आपको एक नंपाई एरे दे देगा जिसमें सिर्फ 113 लिखा होगा. अब आपको नंपाई एरे भी नहीं चाहिए, सिर्फ 113 चाहिए, तो आप उस नंपाई एरे के अंदर से जीरो लगा करके आइटम को फेच कर दोगे और ये रहा गाइज आपका 113. सो किसी ने आपसे पूछ लिया कि विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर कितना है आईपीएल में, दिस इज द आंसर. ठीक है, और ये एग्जांपल है मेथड चेनिंग का. मेथड चेनिंग मतलब आप एक मेथड का के पीछे दूसरा मेथड, दूसरे मेथड के पीछे तीसरा मेथड लगाते जा रहे हो. और ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज पहले मेथड से जो आउटपुट आ रहा है वो अगले वाले के लिए इनपुट बन जा रहा है, जो इससे आउटपुट आ रहा है वो अगले वाले के लिए इनपुट बन जा रहा है. तो बेसिकली आप मेथड चेन कर पाते हो. तो पैंडास में यू विल सी आज की क्लास में, कल की क्लास में आई विल राइट सच कोड्स जहाँ पे हम एक के बाद दूसरा मेथड, दूसरे के बाद तीसरा मेथड लगाते जाएंगे और इसको मेथड चेनिंग बोला जाता है. कोड बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, एक लाइन में आप लिख पाते हो. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब इसमें एक चीज़ आपको और पढ़नी है, सॉर्ट वैल्यूज. सॉर्ट वैल्यूज आई गेस समझ में तो आ गया क्या करता है. सॉर्ट वैल्यूज आपके सारे के सारे वैल्यूज को सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट परमानेंट चेंजेस नहीं करता. जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग किया, लेट मी शो यू. मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग किया लेट्स से यूजिंग दिस कोड, राइट. इस कोड को यूज करके मैंने सॉर्टिंग किया, बट ये कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद भी ये डॉट नहीं लगेगा, ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड सीरीज है. बट अगर मैं वापस जाऊं वीके के ऊपर, तो वीके जो हमारा सीरीज था ओरिजिनल सीरीज वो अभी भी वैसे के वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए. सो बेसिकली सॉर्ट वैल्यूज टेम्पररी चेंजेस करता है, ओरिजिनल वाले में कोई चेंजेस नहीं करता, यही मैं आपको बताना चाहता था. बट इफ़ यू वॉन्ट आप ओरिजिनल वाले में चेंजेस कर सकते हो, करना नहीं चाहिए जनरली, बट पैंडास आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ. सॉर्ट वैल्यूज को कॉल करो, यहाँ पे एक हिडन पैरामीटर होता है इन प्लेस, इसको आप जैसे ही ट्रू करोगे ना आपके ओरिजिनल वाले सीरीज में चेंजेस हो जाएंगे. ध्यान से देखना, इस कोड को मैं जैसे ही रन करूँगा यू वुड सी कि कोई आउटपुट नहीं आया. आउटपुट इसलिए नहीं आया बिकॉज आउटपुट दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसने कुछ किया है. क्या किया है, ओरिजिनल वाले में चेंजेस कर दिए हैं. यू कैन सी, अब अगर मैं वीके को प्रिंट करूं, यू वुड सी कि आपकी वैल्यूज सॉर्टेड होंगी असेंडिंग ऑर्डर में. ये देखो परमानेंट चेंजेस हो गए. ठीक है, तो
प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग इन प्लेस पैरामीटर, बिकॉज ये क्या करता है आपके ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर देता है विच इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है। बट कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है, गोइंग फॉरवर्ड अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल आपको बस बताना था कि इन प्लेस क्या होता है, और इन चेंजेस को रिवर्ट करने के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ और इस कोड को दोबारा रन कर ले रहा हूँ सो दैट नॉर्मल हो जाए हमारा वीके वाला सीरीज, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए, लेट मी शो यू। हमने पढ़ा हेड और टेल जो डेटा का प्रीव्यू देता है, हमने पढ़ा सैम्पल जो रैंडमली रो निकाल के दिखाता है, हमने पढ़ा वैल्यू काउंट्स जो फ्रीक्वेंसी काउंट बताता है, और फिर हमने पढ़ा सॉर्ट वैल्यूज, ठीक है। अब एक और होता है, इसको बोला जाता है सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स क्या करता है, जो काम सॉर्ट वैल्यूज करता है वैल्यूज के साथ, सेम काम सॉर्ट इंडेक्स करता है इंडेक्स के साथ। लेट मी शो यू, मेरे पास ये मूवीज वाला सीरीज है, और इस सीरीज में यू कैन सी हमारे पास सारी मूवीज हैं, और जो इंडेक्स है वो मूवी नेम है, और इट इज़ नॉट दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, रैंडम है ये, ठीक है। तो व्हाट इफ कोई मुझे बोले कि भाई मूवीज़ को आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मूवीज़ के ऊपर सॉर्ट इंडेक्स चला सकते हैं। जैसे आप मूवी डॉट सॉर्ट इंडेक्स चलाओगे, यू वुड सी आपकी सारी मूवीज सॉर्ट हो गई। सबसे पहले सारे डिजिट्स आ रहे हैं, उसके बाद ए बी फिर सी, और लास्ट में अगर आप जाओ तो आपको सारे जेड वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इन प्लेस पैरामीटर होता है, अगर आप चाहो तो आप इन प्लेस इक्वल्स ट्रू कर दोगे। जैसे आप इन प्लेस ट्रू करोगे ये परमानेंट ऑपरेशन हो जाएगा, आपके ओरिजिनल सीरीज में चेंजेस हो जाएंगे। देखो मैंने चेंज किया, और अब इसके बाद अगर मैं वापस जाऊँ और लिखूँ मूवीज, यू कैन सी अब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है परमानेंट चेंजेस होने की वजह से, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इन प्लेस के साथ थोड़ा केयरफुल रहना, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को गलती करते हुए, ज़रूरत नहीं था गलती से इन प्लेस लगा दिया, पूरा डेटा का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बी केयरफुल विद दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर लाइक फाइव रियली इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सीरीज मेथड्स जो आप गोइंग फॉरवर्ड बहुत यूज़ करोगे, हेड टेल सैम्पल वैल्यू काउंट्स सॉर्ट वैल्यूज सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इन पाँचों छः फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी, otherwise just write clear and we will move forward. no Akshita, series में index values same हो सकती हैं, it's not necessary, it's not like dictionary. नेहा, सॉर्ट values के हिसाब से sorting करता है, जैसे अगर मैंने movies के ऊपर सॉर्ट वैल्यूज लगाया होता तो एक्टर्स के नाम के हिसाब से सॉर्टिंग होता, बट हमें मूवीज़ के नाम के हिसाब से सॉर्टिंग करना था इसलिए हमने सॉर्ट इंडेक्स लगाया। इंडेक्स के हिसाब से सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट इंडेक्स होता है, वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट वैल्यूज़ होता है। अक्षय इज आस्किंग अबाउट इन्फो फंक्शन, अक्षय होता है इन्फो फंक्शन बट सीरीज में उतना यूजफुल नहीं है, डेटा फ्रेम में ज़्यादा यूजफुल है, कल पढ़ेंगे। हाँ नंदा, अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी बहुत सारे और फंक्शंस हैं, आगे चल के आपको दिखाएंगे, डोंट वरी। टेक प्रॉफ इज आस्किंग हाउ इन प्लेस वर्क्स इंटरनली, ड्रॉप्स एंड रिक्रिएट न्यू सीरीज। आई गेस सॉर्टिंग करता है और फिर उसको काइंड ऑफ रिप्लेस कर देता है बेसिकली। हाँ, एक नया तो बनता ही होगा आई एम श्योर, डिलीट नहीं करता है, नया रेफरेंस पे भेज देता होगा। मुकेश, डिफॉल्ट वैल्यू इन प्लेस का फॉल्स ही होता है, ओरिजिनल डेटा वापस नहीं आएगा। नौशीन, सॉर्ट वैल्यूज विल बेसिकली सॉर्ट योर वैल्यूज। सीरीज में दो चीज़ें होती हैं ना, इंडेक्स और वैल्यूज, तो वैल्यूज को सॉर्ट करने का तरीका है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, चाहो तो डिसेंडिंग में भी कर देगा। अर्चन सिंह, स्क्वीज विल डेप्रिशिएट, व्हाट शुड वी यूज। पता नहीं, मे बी बाहर से आप मेथड चेनिंग करके भी स्क्वीज बोल के एक मेथड होता है वो लगा सकते हो। नो भास्कर, सॉर्ट इंडेक्स मे बी, हाँ वही होता है, सॉरी मैंने बताया नहीं शायद आपको। ये देखो गाइस, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे भी असेंडिंग पैरामीटर होता है, इसको आप जैसे ही फॉल्स कर दोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, जेड वाली मूवीज टॉप पे आ जाएंगी।
ठीक है, देख लो एक बार। आदित्य, अभी तक मैंने जो आपको दिखाया है, मे बी वो सब कुछ आप कर पाओगे नंपाई में, बट गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी अ लॉट ऑफ टास्क जो नंपाई डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। पैंडाज आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट एन एडेड लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ यूजिबिलिटी। मिलिंद इज आस्किंग, व्हेन देर आर मल्टीपल कॉलम्स हाउ विल वैल्यू काउंट्स वर्क? एक कॉलम को निकाल के उसके ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाओ। हाँ, मोटिवेटी ज्ञान मैंने भी दिखाया आपको कैसे करना है। ठीक है गाइस, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? कुछ मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो सीरीज़ के ऊपर आप कुछ मैथमेटिकल, इनफैक्ट बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले दिखाता हूँ और बाकी फिर आप गूगल कर ही सकते हो। सो सबसे पहला है काउंट। सो काउंट क्या करता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करके देता है सीरीज़ के अंदर। साइज़ भी यही काम करता है, साइज़ भी आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करके बताता है। बट काउंट में एक बात अलग है कि काउंट ना मिसिंग वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता, जबकि साइज़ क्या करता है, मिसिंग वैल्यूज़ को काउंट करता है। सो लेट मी शो यू। लेट्स से मैं आपसे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वीके ने कितने मैचेस खेले, एज इन विराट कोहली ने कितने मैचेस खेले। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वीके डॉट काउंट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही मैचेस विराट कोहली ने आईपीएल में खेले, बिकॉज हमारा डेटा क्या है कि हर मैच में उसने कितने रन्स बनाए। तो अगर हम काउंट निकाल लें कि कितने रोज हैं, तो दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय विराट कोहली, राइट? आई होप समझ में आ रहा है काउंट क्या करता है। काउंट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ सीरीज, ओनली नॉन मिसिंग वैल्यूज। इफ देर आर मिसिंग वैल्यूज, एन ए एन वैल्यूज अगर हैं, तो उनको काउंट नहीं करेगा काउंट। साइज उनको भी काउंट करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइज एंड काउंट, ठीक है। अगला है सम एंड प्रोडक्ट। सो लेट्स से मैं ये पूछना चाहता हूँ या पता करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले एक साल में कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए। सो अगर आपको याद होगा, मेरे पास सब्स बोल करके एक डेटा है जहाँ पे पिछले 365 डेज में मैंने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए डे बाय डे, ये उसका काउंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डायरेक्टली लगा सकते हैं सम, और ये क्या करेगा, सारे के सारे वैल्यूज़ का सम निकाल देगा। और ये देखो, ये रहा हमारा आउटपुट। सो पिछले एक साल में, ये तो कुछ गलत बता रहा है, इतने तो नहीं किए मैंने गेन, बट जो भी है, मतलब यू गेट द आइडिया, 49,000 समथिंग टोटल सम आ रहा है, ठीक है। पता नहीं हो भी सकता, आई डोंट नो। प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट सारे आइटम्स को मल्टीप्लाई कर देगा। सो अगर मैं प्रोडक्ट लगा दूँ, आई नो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, बट अगर आप प्रोडक्ट लगा दो तो इट विल गिव यू अ ह्यूज नंबर। ये ज़ीरो इसलिए दे रहा है बिकॉज इतना बड़ा नंबर हो गया है कि उसको दिखा नहीं पा रहा है। नहीं, ज़ीरो इसलिए हुआ है बिकॉज बीच में कभी ज़ीरो है, किसी दिन मैंने ज़ीरो सब्सक्राइबर्स गेन किए होंगे एंड उसकी वजह से वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। बट अगर वो ज़ीरो नहीं होता तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता और वो INF आ जाता, INF आ जाता, इनफाइनाइट आ जाता, ठीक है। यू गेट द आइडिया, यू कैन ऑल्सो डू सम एंड यू कैन डू प्रोडक्ट। ऑब्वियसली सम ज़्यादा यूजफुल है सर्टेन सिनेरियोज में, कभी कभी प्रोडक्ट यूज़ हो जाता है, ठीक है। अगला है आपके कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑन एन एवरेज मैं डेली बेसिस पे लास्ट एक साल में कितने सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा हूँ। सो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे सब्स डॉट मी। जैसे आप इस कोड को रन करोगे, यू वुड सी कि ऑन अ डेली बेसिस आई एम गेनिंग अराउंड 135 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट मीडियन। सो लेट्स फाइंड आउट द मीडियन विराट कोहली स्कोर इन एन IPL इनिंग्स। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे वीके डॉट मीडियन और ये रहा आपका आउटपुट, 24 है मीडियन स्कोर, ठीक है। मोड क्या होता है? सो मोड होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार डेटा में आती है। जैसे कि मान लो मैं निकालना चाहता हूँ कि कौन सा एक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाई, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट मूवीज़ डॉट मोड।
ये ऑटोमेटिकली मुझे जो एक्टर जिसने सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाई है उसका नाम निकाल के दे देगा। आई होप आपको मोड पता है क्या होता है। सो इट्स अक्षय कुमार, ठीक है। अक्षय कुमार ने सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाई है। ये जीरो इज़ नॉट द नंबर ऑफ मूवीज़ मेड बाय अक्षय कुमार, इट इज़ द इंडेक्स पोजिशन प्रोवाइडेड टू अक्षय कुमार, ठीक है। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अक्षय कुमार ने कितनी मूवीज़ बनाई है, बस हमें ये पता चल रहा है कि अक्षय कुमार सबसे फ्रीक्वेंट आइटम है हमारे सीरीज़ का, ठीक है। अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर किसी को नहीं पता स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इस पॉइंट पे इग्नोर करो, बस ऐसे समझो कि स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बस आपको जल्दी से निकाल के दिखा देता हूँ कि सब्स डॉट एस टी डी क्या आ रहा है। यू कैन सी सब्स डॉट एस टी डी इज़ बेसिकली 62। और सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट होता है वैर, सो मैं वी के डॉट वैर एज इन वेरियंस निकाल के आपको दिखा देता हूँ। द वेरियंस इज 688, ठीक है। अब जिनको भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस नहीं पता तो या तो आप जाकर के थोड़ा गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर इग्नोर मारो अभी। हम लोग एनीवेज फ्यूचर में इस कोर्स में स्टैटिस्टिक्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर वी विल हैव अ डिस्कशन अराउंड दिस। अभी बस आपको दिखाना चाहता था कि ये फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज मिन एंड मैक्स। लेट्स सी, मुझे फिगर आउट करना है कि मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने गेन किए पूरे साल में किसी एक दिन में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर? तो मैं क्या करूँगा, मैं ये लिखूँगा सब्स डॉट मिन एंड यू कैन सी, सॉरी मैक्स लिखना चाहिए था, बट यू गेट द आइडिया। सो कोई एक दिन ऐसा आया इस साल में, अरे बट फिर ऊपर जीरो क्यों आया था? ऊपर यहाँ पे जीरो आ रहा था कहीं पे, जब हमने प्रोडक्ट किया था, जब मिनिमम वैल्यूज 33 तो ज़ीरो क्यों आया? इज़ इट रियली बिकॉज वो नंबर बहुत बड़ा हो गया और रिप्रेजेंट नहीं कर पाया? बट उसको तो INF से डिस्प्ले करना चाहिए था। किसी को ये समझ में आया तो बताना, बट फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ मिन और मैक्स क्या करता है। दिस इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट आई हैव गेन्ड पूरे के पूरे साल में, और अगर मैं मैक्स बोलूँ तो दिस इज़ द मैक्सिमम। सो कोई एक बहुत अच्छा दिन आया था मेरी लाइफ में जिस दिन मैंने एक दिन में 396 सब्सक्राइबर्स गेन किए थे, ठीक है। बहुत खुश हुआ होगा मैं उस दिन, बट येस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या करता है? डिस्क्राइब प्रोवाइड्स अ समरी, ठीक है। एक साथ आपको समरी बना के दे देता है मल्टीपल चीज़ों का। मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो मैं वी के डॉट डिस्क्राइब करूँ तो दिस इज द आउटपुट। ये आपको एक साथ सारी मैथमेटिकल क्वांटिटीज का समरी निकाल के दे रहा है, ठीक है। सो वो बोल रहा है कि वी के वाले सीरीज में देर आर 215 नॉट नल वैल्यूज, मीन ऑफ ऑल द नंबर्स आर 30, सो विराट कोहली का एवरेज इज 30, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 26, मिनिमम वैल्यू इज 0, सो द लीस्ट स्कोर दैट ही हैज मेड इज 0, 25 परसेंटाइल स्कोर इज 9, इसका मतलब पूरे डेटा में 25% वैल्यूज 9 के नीचे हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि विराट कोहली ने 25% इनिंग्स में 9 या फिर 9 से कम का स्कोर बनाया है, ठीक है। फिर है 50% स्कोर विच इज़ मीडियन, सो आप बोल सकते हो कि विराट कोहली ने अपने पूरे IPL करियर में 50% मैचेस में 24 या उससे कम रन बनाए हैं, ठीक है। 75% इज 48, 75% इनिंग्स में उसने 48 या 48 से कम बनाए हैं, एंड द मैक्सिमम वैल्यूज 113, किसी एक मैच में उसने 113 रन बनाए हैं। तो अगर आपको ऊपर सब कुछ नहीं करना है आप डायरेक्टली डिस्क्राइब चला के देख सकते हो। यही सेम डिस्क्राइब अगर हम सब्स के ऊपर चलाएं तो यू कैन सी काउंट इज 365, मीन इज 135, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 62, मिनिमम इज 33, ज़्यादातर दिन 25% डेज आई हैव गॉटन एटलीस्ट 88 सब्सक्राइबर्स, 50% डेज आई हैव गॉटन एटलीस्ट 123 और लेस सब्सक्राइबर्स, 77 मैक्स। मेरे को अभी तक वो समझ में नहीं आया कि वहाँ पे ज़ीरो क्यों आया। किसी को समझ में आ रहा है क्या वहाँ पे ज़ीरो क्यों आया था प्रोडक्ट करने पे? किसी को समझ में आया? सर दिस इज ज़ीरो बिकॉज इन फर्स्ट मूवी अक्षय कुमार इज लीड। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सब्स वाले सीरीज का।
सदाशिव इज सेइंग व्हाट एडवांटेज सीरीज प्रोवाइड्स ओवर डेटा फ्रेम, वी डू एवरीथिंग विद डेटा फ्रेम, व्हाई वी नीड सीरीज। सदाशिव आप एक्चुअली गलत ले रहे हो। डेटा फ्रेम सब कुछ नहीं करता है, इनफैक्ट ज़्यादा फंक्शनैलिटी सीरीज में होता है। इट्स जस्ट कि आप मल्टीपल सीरीज को जोड़ करके डेटा फ्रेम बनाते हो। कल जब आपको डेटा फ्रेम में पढ़ाऊंगा वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ज़्यादातर जो फंक्शनैलिटी है वो सीरीज़ के थ्रू आ रही है, ना कि डेटा फ्रेम के थ्रू। तो आपको सीरीज़ अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आपको डेटा फ्रेम समझ में आएगा, बिकॉज डेटा फ्रेम इज एसेंशियली मल्टीपल सीरीज वर्किंग टुगेदर। शरद इज आस्किंग, अगर मुझे पूरा डेटा दिखाना है विदाउट द गैप इन द मिडिल तो क्या करना पड़ेगा? एक कोड होता है यार, मैं कल गूगल करना पड़ेगा, बेसिकली याद नहीं है। सिंपल एक कोड होता है, मैं आपको बताता हूँ कल वो कोड निकाल करके। ओके यार आप लोग ये क्यों पूछ रहे हो, नंपाई से ज़्यादा क्या प्रोवाइड कर रहा है पैंडास? आई डोंट थिंक आपको ये डिस्क्राइब करके दे देगा। आई डोंट थिंक देर इज़ अ रीड सी एस वी फंक्शन। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पैंडास कैन डू दैट नंपाई कांट। नंपाई इज जस्ट अ जेनेरिक डेटा टाइप, उसके ऊपर अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी हैज़ बिन बिल्ट, एंड ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट क्लास। मतलब अभी मैं कैसे आपको बताऊँ कि क्या क्या फीचर्स हैं? यू कैन मर्ज, यू कैन कॉन्कैटिनेट, यू कैन क्रॉस टैब, यू कैन क्रिएट पिवट टेबल्स, लाइक यू कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, मिसिंग वैल्यूज ट्रीटमेंट अलग होती है, यू कैन वर्क विथ डिफरेंट फाइल फॉर्मैट्स। मतलब देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पैंडास कैन डू। इस पॉइंट पे इतना लोड मत लो कि नंपाई से एक्स्ट्रा क्या है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी यू वुड बी एबल टू सी कि पैंडास इज सच अ पावरफुल लाइब्रेरी जो बना तो है नंपाई के ऊपर, बट आपको इतने फीचर्स दे रहा है जो नंपाई में है ही नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको डाउट ना रहे फ्यूचर में। ओके चलो फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट वाली चीज़ अगर किसी को पता चले तो मैसेज में डाल देना। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू सीरीज इंडेक्सिंग। ठीक है, सीरीज इंडेक्सिंग क्या होता है? आप बेसिकली एक गिवन सीरीज के अंदर से किसी भी आइटम को निकाल सकते हो यूजिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, सो ये आपने पाइथन में बहुत बार किया है कि एक गिवन लिस्ट के अंदर से आप दूसरा आइटम या तीसरा आइटम या पांचवा आइटम निकाल रहे हो, वही सेम काम हम लोग करेंगे यूजिंग सीरीज। ठीक है, सो यहाँ पर आई हैव क्रिएटेड अ सीरीज। इस सीरीज में देर आर नंबर्स, कुछ भी रैंडम नंबर्स हैं, और हम लोग इसी सीरीज के ऊपर काम करेंगे। सो जैसे पाइथन में काम करता था लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, वैसे यहाँ पे भी काम करेगा। सो देखो, अगर आपको निकालना है फर्स्ट आइटम तो आप ये लिख सकते हो x स्क्वायर ब्रैकेट 0, और ये आपको पहला आइटम निकाल के दे देगा, एंड दैट इज 12। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 1 लिखो तो इट विल गिव यू 13, 2 लिखने पे 14, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करके आप आइटम्स फेच कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग काम नहीं करता। सो ये देखो, अगर मैं लिखूँ एक्स माइनस 1 तो ये काम नहीं करेगा। सी बोल रहा है माइनस 1 नहीं है। सो याद रखना कि सीरीज पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे काम करता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग पे काम नहीं करता। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि मान लो आप ये एग्जांपल लेके चल रहे हो, मूवीज़ वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। सो हमारे मूवीज़ में देर आर डिफरेंट मूवीज़, राइट? सो अगर मैं लिखूँ मूवीज़ तो ये रही मेरी सारी मूवीज़ और उसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग करने की कोशिश करो लाइक दिस, दिस विल नॉट वर्क। ये देखो, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ज़ीरो कैसे काम कर रहा है? सो अपेरेंटली काम करता है, इट वर्क्स। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो डेटा, जो सीरीज है ना, इसमें जैसे ये सीरीज का अगर आप बात करो तो यहाँ पे इंडेक्स मूवी का नाम है, बट एट द सेम टाइम सीरीज जो है पैंडास का, उसने इंटरनली
एक दूसरा इंडेक्स भी प्रोवाइड कर रखा है. सो नॉट ओनली ये मूवी का नाम इज एक्टिंग लाइक अ इंडेक्स, देर इज ऑल्सो एन इंटरनल इंडेक्स 0123 बोल करके. ठीक है, तो आप चाहो तो आप इससे भी फेच कर सकते हो, जो मैं थोड़ी देर बाद करके दिखाता, आप इससे भी फेच कर सकते हो और आप इससे भी फेच कर सकते हो. ये देखो, ये दोनों सिंटेक्स काम करते हैं. सॉरी आई गॉट कंफ्यूज, दोनों सिंटेक्सेस काम करेंगे. इफ यू हैव ओवर रिडन द पैंडा सीरीज वाला इंडेक्स विथ योर ओन इंडेक्स, तो फिर आप चाहो तो अपना इंडेक्स वैल्यू से भी निकाल सकते हो और चाहो तो 0123 करके भी निकाल सकते हो, बट नेगेटिव करके नहीं निकाल पाओगे. ये नेगेटिव इंडेक्सिंग काम नहीं करेगा. लेट मी शो यू, इसके ऊपर भी अगर आप चलाने की कोशिश करो मूवीज माइनस वन, दिस विल नॉट वर्क. क्या हो रहा है यार, माइनस वन यहाँ पे काम कर रहे. जस्ट गिव मी वन सेकेंड, कुछ वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है ऊपर. यहाँ पर हमने जो सीरीज बनाया, दिस इज द सीरीज, इस सीरीज में व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग माइनस वन दिस इज नॉट वर्किंग, बट जब आपने कस्टम इंडेक्स वाले में माइनस वन डाला तो इट इज गिविंग यू द एक्टर. लास्ट वाला निकल के आ रहा है. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से ये रहा वीके एज इन विराट कोहली वाला सीरीज, वीके विराट कोहली वाला सीरीज, एंड हम क्या कर रहे हैं इसमें माइनस वन लगा रहे हैं, एंड दिस इज कस्टम इंडेक्स, ये हमारे इंडेक्स है. लेट्स रन दिस, यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं. पागल हो गया क्या पांडास? किसी को समझ में आ रहा है ये बिहेवियर, इफ इन केस किसी ने पढ़ा है पहले. ऐसा क्यों हो रहा है कि स्ट्रिंग वाले में काम कर रहा है? इज इट सो? लेट मी सी, एक और एग्जांपल है हमारे पास. हमारे पास एग्जांपल है, ऊपर हमने एक मार्क्स बोल के क्रिएट किया था. सो मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज बोल के हमने क्रिएट किया था बहुत ऊपर शुरू में क्लास के. अगर हम इसके ऊपर लगाने की कोशिश करें माइनस वन, लेट्स सी ये निकल रहा है कि नहीं. सो अपेरेंटली जब भी आपका कस्टम इंडेक्स इज अ स्ट्रिंग तो नेगेटिव इंडेक्सिंग काम कर रहा है, और जब भी आपका इंडेक्स इज नंबर नेगेटिव इंडेक्सिंग काम नहीं कर रहा. दिस इज सो वियर्ड, मैं पहली बार देख रहा हूँ जबकि मैं 5 सालों से काम कर रहा हूँ. सो रियली न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी. जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं एक बार इसको फिगर आउट करता हूँ आज की क्लास के बाद और कल की क्लास के पहले, या कल की क्लास में आई टेल यू कि यहाँ पे क्या एग्जैक्टली चल रहा है. फिलहाल एक बार समराइज कर लेते हैं जो भी बिहेवियर स्क्रीन पे है. वो ये है कि आप चाहो तो इंडेक्स पोजिशन प्रोवाइड करके आइटम्स को फैच कर सकते हो यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी काम करता है इफ द इंडेक्सेज आर स्ट्रिंग नॉट अदरवाइज. ठीक है, मतलब आई डोंट नो, थोड़ा वियर्ड है बट अभी फिलहाल यही हो रहा है. ठीक है, तो लेट मी नो अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आया या फिर कन्फ्यूजन हो गया. इन माई ओपिनियन इफ वी हैव स्ट्रिंग इंडेक्स देन नेगेटिव इंडेक्स विल बी वर्किंग. वही मैंने बोला अमूल. ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है. आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, मैंने तो कुछ नया सीखा. ठीक है, एनी वेज आई जस्ट टेक सम टाइम आफ्टर द क्लास और इसको फिगर आउट करके मैं कल आपके साथ एकदम सही पॉइंट्स रख दूंगा. बट फिलहाल बस इतना समझो कि आप पॉजिटिव वाले से तो निकाल सकते हो, नेगेटिव वाले में कन्फ्यूजन हो रही है. कोई बात नहीं, पॉजिटिव वाला काम करता है. आगे बढ़ते हैं और लेट्स डिस्कस स्लाइसिंग. सो स्लाइसिंग में क्या सीन है? जैसे नॉर्मल पाइथन ऑब्जेक्ट्स में आप स्लाइसिंग करते हो, सिमिलरली आप पैंडा सीरीज में भी स्लाइसिंग कर सकते हो. स्लाइसिंग करने का मतलब एक साथ मल्टीपल आइटम्स फेच करना. लेट मी शो यू. सो नीचे जा रहे हैं और स्लाइसिंग करके आपको दिखाते हैं. सो मान लो हम देखना चाहते हैं विराट कोहली के 5 से लेके 15 मैचेस के बीच में उसने कितने रन्स बनाए थे 5 से लेके 15 मैचेस तक. सो आप क्या करोगे,
आप लिखोगे वी के और आप यहाँ पे लिखोगे 5 से लेके 60, और इसको आप जैसे ही रन करोगे, ये रहा मैच नंबर 5 ऑनवर्ड्स, सारे मैचेस में उसने 16 मैच तक कितने रन्स बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीच में कहीं भी एक सेक्शन काट के देख सकते हो एक सीरीज़ का यूजिंग स्लाइसिंग, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग ट्राई कर लेते हैं। सो लेट्स से हमें लास्ट 5 वैल्यूज़ देखनी है, तो नेगेटिव स्लाइसिंग में आप ये देखोगे, आप लिखोगे -5 से लेके लास्ट तक, ये आपको लास्ट 5 निकाल के दे देगा। यहाँ पे नेगेटिव स्लाइसिंग काम कर रहा है, ऑल दो इंडेक्सिंग इज अ नंबर। एक बार मूवीज़ वाले के साथ कर लेते हैं। सो लेट्स से मुझे लास्ट 5 मूवीज चाहिए, सो आई वुड राइट मूवीज, मूवीज -5 से लेके लास्ट तक, एंड यू कैन सी लास्ट 5 मूवीज निकल गया, ठीक है। अब इसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपने पाइथन में सीखी थी, आप स्टेप्स वगैरह लगा सकते हो, जैसे कि लेट्स से आपको हर अल्टरनेट मूवी चाहिए तो आप ::2 डाल दोगे, तो ये आपको पहला मूवी देगा, दूसरा नहीं देगा, फिर तीसरा देगा, चौथा नहीं देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पाइथन में आपने सीखी थी वो सब यहाँ पर है। सो स्लाइसिंग इज़ वर्किंग द सेम वे एज इट यूज टू वर्क इन पाइथन, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस था वो ऊपर नेगेटिव इंडेक्सिंग में था, वो हम लोग कल पढ़ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर फैंसी इंडेक्सिंग भी काम करता है। सो लेट्स से मुझे ये पता करना है कि विराट कोहली ने पहले, तीसरे, पांचवे और छठे मैच में कितने रन्स बनाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो वी के, और यहाँ पे आप फैंसी इंडेक्सिंग जो आपने नंपाई में पढ़ा था उसका सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 4 मैचेस में उसने कितने रन्स बनाए, ये हम झट से निकाल के देख सकते हैं, एंड यू कैन सी दिस इज इट। इसको फैंसी इंडेक्सिंग बोला जाता है, जहाँ पे आप कोई पैटर्न नहीं बना पा रहे हो, बट अगर आपको जो भी चाहिए आप उसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फैंसी इंडेक्सिंग, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि आप लेबल्स पकड़ के भी फेच कर सकते हो, जो मैंने आपको मूवीज वाले से करके दिखा दिया। सो लेट्स से हमें ये पता करना है कि इस मूवी में कौन एक्टर था, तो हम डायरेक्टली इसके लेबल को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और ये हमें बता देगा वैल्यू, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। तो अभी हमने जस्ट सीखा हाउ टू फेच आइटम्स आउट ऑफ अ सीरीज यूजिंग इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, फैंसी इंडेक्सिंग और लेबल पकड़ के। ये लास्ट में हमने जो देखा ये था लेबल पकड़ के, ठीक है। तो इंडेक्सिंग में अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव वाला कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अगर समझ में आ गया तो जस्ट राइट क्लियर। सो मैं हाउ कैन वी चेंज द डेटा टाइप ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स का तो नहीं कर सकते, वैल्यूज का कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। अर्चन यस आई एम रीडिंग योर मैसेज, बट वही है मेरे को देखना पड़ेगा यार एक बार। उस्मान इज आस्किंग वेयर कैन वी यूज सीरीज इन रियल लाइफ। मैंने आपको जस्ट क्लास की शुरुआत में बताया कि कभी भी कोई भी टेबुलर डेटा होता है ना, तो उसका एक कॉलम को आप सीरीज़ बुला सकते हो। तो फ्यूचर में आप जब भी किसी भी तरह के टेबुलर डेटा के साथ काम करोगे, उसके सारे कॉलम्स एक्चुअली सीरीज़ हैं, तो हर जगह एप्लीकेबल है। नितेश, लेबल का बेसिकली मतलब है कि अगर आपने कस्टम इंडेक्स प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि मूवी का नाम, तो आप मूवी के नाम से फेच कर सकते हो कि उसमें कौन एक्टर है, दैट्स इट। वहाँ पर आपको 0, 1, 2 प्रोवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। पीयूष इज आस्किंग आई हैव डिस्कवर्ड द चैनल राइट नाउ, आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ई मेल आई डी, माई ई मेल आई डी इज nitish.campusx@gmail.com, चैट में मैंने प्रोवाइड कर दिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस हाउ कैन वी एडिट आइटम्स इन साइड अ सीरीज, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ रीड कर रहे थे, राइट, बट अगर आप चाहो तो आप राइट भी कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो आइटम के वैल्यू को, ठीक है। ऑल दो आपको करना नहीं चाहिए बट आप कर सकते हो। सो लेट्स से हमारे पास ये मार्क्स वाला सीरीज है, राइट, ये मार्क्स वाला सीरीज है,
और लेट्स से मैं अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता हूँ, इंग्लिश में मेरे 57 है, आई वॉन्ट टू चेंज इट टू लेट्स से 100, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पावर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दो, सो आप लिखोगे 1 = 100, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स पोजिशन है। और इतना करने के बाद आप जैसे ही मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज को प्रिंट करोगे, यू वुड सी इंग्लिश में भी 100 मार्क्स आ गए। तो यू कैन सी आप चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इफ जो इंडेक्स नहीं है, आप उसमें चेंजेस करने की कोशिश करो। मतलब क्या है कहने का, मान लो आपने ये लिख दिया मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज, और यहाँ पे हमने सोशल स्टडीज में लिख दिया कि हमें 90 मार्क्स आए। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्टडीज़ हमारे सीरीज़ में है ही नहीं, तो आप एडिट कैसे कर सकते हो। तो लेट्स सी कि क्या होगा जब हम इस कोड को रन करेंगे। दिस कोड विल नॉट थ्रो एन एरर, यू कैन सी ये कोड रन हो गया। और हुआ क्या कि एक नया, यू कैन सी एक नया आइटम ऐड हो गया आपकी सीरीज में लाइक दिस। क्या हो रहा है यार, ये मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज, यू वुड सी लास्ट में एक आइटम ऐड हो गया। तो क्या सीखे कि अगर वो इंडेक्स वैल्यू नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा एडिटिंग करने के टाइम, रीड करने के टाइम एरर देगा। अगर आपने ये कोड लिखा होता, सिर्फ ये कोड लिखा, अब तो एरर नहीं देगा, अभी तो 90 बता देगा। मतलब मान लो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मैंने दिया होता तो रीड करते टाइम एरर दे देगा, बट राइट करते टाइम वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा वियर्ड बिहेवियर है, ये याद रखना। कई बार लगता है कि एरर देना चाहिए, बट एरर नहीं दे रहा है, वो नया आइटम को ऐड कर दे रहा है, ठीक है। ये सेम काम आप स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है। लेट मी शो यू, इस बार एग्जाम्पल लेते हैं। ऊपर हमने रन्स बोल करके एक सीरीज बनाया था, मान लो ये एक बैट्समैन ने हर मैच में कितने रन्स बनाए उसका सीरीज है, और लेट्स से हम चेंज करना चाहते हैं 2 और 3 को, 56 को 100 करना चाहते हैं, 78 को भी 100 करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे, आप लिखोगे 2 से लेके 4 तक 100, 100। और अब जब आप रन्स अंडरस्कोर सीरीज करोगे, यू वुड सी आपके दोनों आइटम्स आपने एडिट मार दिए लाइक दिस, ठीक है। तो आप एक सिंगल आइटम को भी एडिट कर सकते हो, मल्टीपल आइटम्स को भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सेम काम आप फैंसी इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। लेट मी शो यू, हम क्या कर रहे हैं, ये 0 को, ये 3 को और ये 4 को, तीनों को 0 कर रहे हैं। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे रन्स अंडरस्कोर सीरीज, यहाँ पे हम इंडेक्सेस प्रोवाइड करेंगे 0, 3, 4, और हम सबको क्या कर रहे हैं 0, 0, 0, ठीक है। और अब जैसे ही हम रन अंडरस्कोर सीरीज करेंगे, यू वुड सी आपने फैंसी इंडेक्सिंग यूज़ करके एडिट मार दिया, आप कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली आप लेबल के थ्रू भी कर सकते हो। सो लेट मी शो यू, जैसे कि मूवीज़ है, अब जैसे कि कोई बोल रहा है कि ये 2 स्टेट्स में ज़्यादा अच्छा एक्टिंग आलिया भट्ट की, तो हम ये कर रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं राइट, वी कैन डू दिस। सो आप इसको जैसे ही रन कर रहे हो, यू कैन सी 2 स्टेट्स में नाउ इट्स आलिया भट्ट, ठीक है। बट वही बात है कि आप उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, जनरली आप राइट नहीं करते हो, आप इस तरह के डेटा के ऊपर आप ज़्यादातर रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हो। तो पैंडास ने आपको ऑप्शन दिया है राइट का, बट ऑनेस्टली रियल वर्ल्ड डेटा में आप चेंजेस नहीं करते, आप उनको यूज़ करते हो, रीड करते हो ज़्यादा, ठीक है। बट जो भी है, मुझे आपको दिखाना था कि कैसे होता है, सो मैंने आपको जल्दी से दिखा दिया, ठीक है। सो एडिटिंग में अगर किसी को डाउट है तो लेट मी नो, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ।
अपूर्व इज आस्किंग कैन वी मेक अ सीरीज इम्यूटेबल टू कीप द डेटा इंटैक्ट एंड मेक श्योर नो वन चेंजेस इट. नो आई डोंट थिंक सो. कुछ अलग से कोई डेटा टाइप हो सकता है, कोई अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट नॉट सीरीज. हाउ टू नो विच वन शुड वी यूज, ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट ड्यूरिंग डेटा फ्रेम? इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, डोंट वरी. हाउ टू डिलीट आइटम इफ वी एक्सीडेंटली मेड एनी चेंजेस टू डेटा सेट? यू कैन नॉट. दैट्स वाई यू हैव टू बी केयरफुल. ओके. येस, लाइक इंडेक्स कॉलम इज अ, नो इट्स नॉट अ कीवर्ड, इट्स अ पैरामीटर नेम. येस श्री, आप एक बार आई डी प्रिंट करके देख लेना. आई डी अगर एडिट करने के बाद भी सेम है तो इट इज़ म्यूटेबल. चलो फिर गाइज आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली कॉपी एंड व्यूज़. बट ये टॉपिक मैं अभी नहीं करा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी टाइम कम बचा है. सो मेरा प्लान क्या है, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि आज के सेशन के बाद मैं आपको एक सप्लीमेंट्री वीडियो प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे कुछ बची हुई चीज़ें आपको मैं सीरीज से रिलेटेड पढ़ाऊँगा. ठीक है. सो बेसिकली क्या पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज मेथड्स हैं जो आप फ्यूचर में बहुत यूज़ करोगे. तो ये सारा मैं उस वीडियो में डाल के आपको दे दूँगा. ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, अराउंड आधे घंटे का होगा. उसमें ये सारे मेथड्स मैं आपको पढ़ा दूँगा. और आज हम लोग बाकी जो भी बचा हुआ है वो कवर कर रहे हैं. सो मैंने वही डिसाइड किया है कि ये कॉपी एंड व्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. इसलिए इसको भी मैं उस सप्लीमेंट्री वीडियो में डाल के ही पढ़ा दूंगा. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में तीन टॉपिक्स और पढ़ रहे हैं. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला हम पढ़ रहे हैं कि पाइथन की जो कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको आप सीरीज के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे, एक तो वो पढ़ रहे हैं. उसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बूलियन इंडेक्सिंग ऑन सीरीज. और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सीरीज के ऊपर ग्राफ्स कैसे प्लॉट होते हैं. ये तीनों टॉपिक्स क्लास में कवर करेंगे और फिर ये जो बचे हुए इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके ऊपर मैं एक सप्लीमेंट्री वीडियो बना दूंगा जो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा. ठीक है. सो दैट कल हम लोग डेटा फ्रेम स्टार्ट कर पाएँ. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस टॉपिक, सीरीज विथ पाइथन फंक्शनैलिटीज. सो अभी तक हमने पाइथन में कई चीज़ें पढ़ी, राइट. द बेस्ट पार्ट अबाउट पांडास एंड ऑल सच लाइब्रेरीज इज कि वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि नॉट ओनली वो अपने खुद की फंक्शनैलिटीज़ लेके आती हैं बट वो पाइथन की जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाती हैं. ठीक है. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले एक डेढ़ घंटे से वो कैसे पाइथन की सारी फंक्शनैलिटीज़ को यूटिलाइज कर पाते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ सम बिल्ट इन फंक्शन. सो हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे, टाइप, लेंथ, DIR, सॉर्टेड, मैक्स, मिन. ये सब के सब सीरीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है. लेट मी शो यू. सो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ लेंथ ऑफ सब्स और ये बता देगा 365 बिकॉज देर आर टोटल 365 आइटम्स इन सब्स वाला सीरीज. ठीक है. सिमिलरली आप चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो टाइप ऑफ एनी सीरीज वेरिएबल और आंसर विल बी सीरीज. यू कैन सी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दैट इट इज़ अ सीरीज ऑब्जेक्ट. कभी भी किसी सीरीज ऑब्जेक्ट का टाइप प्रिंट करोगे तो सीरीज आएगा. ठीक है. सिमिलरली वी हैव DIR जो ये बताएगा कि सीरीज क्लास के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं और क्या क्या मेथड्स हैं. ठीक है. तो इसका आउटपुट बहुत बड़ा होगा. लेट मी शो यू. सो अगर आप लिखो DIR और यहाँ पे आपने पास किया सब्स तो ये बेसिकली आपके सीरीज क्लास के अंदर जो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं इंक्लूडिंग द मैजिक मेथड्स वो सब आपको बता देगा. ठीक है. तो चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारे फंक्शंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, रिप्लेस, रीसैम्पल, रीसेट इंडेक्स. ये सारे फंक्शंस हैं. इनमें से कुछ आपने पढ़े हैं और बहुत सारे अभी नहीं पढ़े हैं, जैसे कि शेप. आपने अभी जस्ट शेप भी नहीं पढ़ा आपने एक्चुअली. सॉर्ट इंडेक्स पढ़ा है, साइज पढ़ा है. ठीक है. तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा. ठीक है. अगला है सॉर्टेड. सो सॉर्टेड क्या करता है? सॉर्टेड सॉर्ट करता है बट आउटपुट लिस्ट में स्टोर करता है. लेट मी शो यू. अगर आप सॉर्टेड को अप्लाई करोगे ऑन टॉप ऑफ लेट्स से सब्स, सब्सक्राइबर्स वाला जो डेटा है, यू वुड गेट सबसे कम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जिस दिन गेन किया वो नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और एंड में सबसे बड़ा. यू कैन सी
कोई एक दिन है जिसमें 300 396 सब्सक्राइबर्स गेन किए, ठीक है, बट द आउटपुट इज इनसाइड अ लिस्ट, ठीक है, इसीलिए आप सॉर्टेड जनरली यूज नहीं करते बिकॉज वो लिस्ट में आउटपुट देता है. एंड सिमिलरली यू हैव मिन एंड मैक्स जो कि सेम काम करेगा. लेट मी शो यू, सब्स विल गिव यू द मिनिमम सब्स, दैट इज 33, एंड मैक्स विल गिव यू द मैक्सिमम सब्स. सो यू कैन सी द बेसिक आइडिया इज वेरी सिंपल. मैं आपको बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि पाइथन में जो फंक्शंस आप अभी तक यूज कर रहे थे सभी डेटा टाइप्स के ऊपर, आप उनको विदाउट कंसर्न सीरीज के ऊपर भी अप्लाई कर दो, रिजल्ट्स सिमिलर ही आते हैं, ठीक है. तो देर इज दिस फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस कि हाँ भाई, जो पाइथन में हमने पढ़ा था वो अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है. और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि टाइप कन्वर्जन भी आप यहाँ पे कर सकते हो. जैसे मान लो आपके पास ये है मार्क्स वाला सीरीज है, आप चाहो तो इसको बहुत ईजिली दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे कि मान लो मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर डाल देंगे. एंड व्हाट दिस विल डू इज दिस विल कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज, जितने भी मार्क्स हैं उनको एक लिस्ट में ऐड कर देगा, ये देखो लाइक दिस. और सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसको डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो अगर आप इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करोगे तो यू वुड राइट डिक्शनरी ऑफ मार्क्स अंडरस्कोर सीरीज और दिस विल बी द आउटपुट, यू कैन सी, राइट. अगला है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, वो यहां पे भी काम करता है, ठीक है. लेट मी शो यू. सो मान लो हम मूवीज वाले डेटा सेट को उठा रहे हैं, सीरीज को उठा रहे हैं, और इसके ऊपर देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये पता करना चाहते हैं कि ये मूवी इस सीरीज के अंदर है कि नहीं. ये देखो, हम ये पता करना चाहते हैं कि ये मूवी इस सीरीज के अंदर है या नहीं. दिस इज द आउटपुट, ध्यान से देखना, ट्रू. सो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका जो इन ऑपरेटर है वो इंडेक्स के ऊपर काम करता है, वैल्यू के ऊपर काम नहीं करता. लेट मी शो यू. अगर मैं ये करूँ, व्हाट आई विल डू इज एक बार मैं आपको फिर से मूवीज दिखाता हूँ, और मैं किसी एक्टर के नाम को सर्च करूँगा. देखो लेट्स से मैं आलिया भट्ट को सर्च कर रहा हूँ. सो अगर मैं ये लिखूँ, आलिया भट्ट इन मूवीज, एल स्मॉल होगा, तो देखो इस बार फॉल्स आएगा. क्यों? क्योंकि जब आप इन ऑपरेटर लगा रहे हो वो सिर्फ इंडेक्स में सर्च करेगा, ठीक है. अगर आपको वैल्यूज में सर्च करवाना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यूज, आप वैल्यूज में फिर सर्च कराओगे और इस बार ट्रू आएगा, ठीक है. तो याद रखना, मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क्स बट ओनली ऑन इंडेक्स वैल्यूज, नॉट ऑन वैल्यूज, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. सिमिलरली इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो रन लूप, अगर आप चाहो तो लूप चला सकते हो. जैसे कि लेट्स से मैं ये लूप चला रहा हूँ, फॉर आई इन मूवीज प्रिंट आई, और मैंने इसको जैसे ही रन किया एक एक करके सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मेंबरशिप ऑपरेटर इंडेक्स वैल्यूज पे रन करता है, लूप्स वैल्यूज के ऊपर रन करती हैं. अगर आपको इंडेक्स के ऊपर लूप चलाना है तो आपको लिखना पड़ेगा मूवीज डॉट इंडेक्स, और अब आप जैसे इस पे लूप चलाओगे सारी मूवीज प्रिंट हो जाएंगी, एक्टर प्रिंट नहीं होंगे. यू कैन सी सारी मूवीज प्रिंट हो गई, ठीक है. आई गेस समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके. अगला है ऑपरेटर्स, आप कुछ ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो सीरीज के ऊपर. जैसे कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आप सब के सब यूज कर सकते हो, ठीक है. जैसे कि लेट्स से हमारे पास ये सीरीज है, मार्क्स सीरीज, हम ये पता करना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में 100 में से कितने कम आए, 100 से कितने कम मार्क्स आए, 100
मार्क्स आने में कितने मार्क्स रह गए, ये हमें निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सिंपली ये कोड लिख सकते हो, 100 माइनस मार्क सीरीज। जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे, यू वुड सी कि मैथ्स में 33 नंबर से रह गए, इंग्लिश में पूरे आए, साइंस में 11 नंबर से रह गए, हिंदी में 100 आए, एसएसटी में 10 नंबर से रह गए, ईवीएस में भी 100 आए। सो झट से आपने कैलकुलेट कर लिया कि हर सब्जेक्ट में 100 लाने के लिए कितना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्टिंग का, जो हमने नंपाई में पढ़ा था, कि आप बेसिकली सिर्फ एक स्केलर यूज़ कर रहे हो, बट वो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे सीरीज पे अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने माइनस यूज़ किया, उस तरीके से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ प्लस, यू कैन यूज़ मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, पावर ऑफ, जितने भी आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट हो रहा है वो है ब्रॉडकास्टिंग, बिकॉज आप सिर्फ एक नंबर को ऐड कर रहे हो, बट वो सारे नंबर्स के साथ ऐड हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, एक जगह से बोला जाता है, सबको सुनाई देता है। तो सिमिलरली मैंने 100 एक जगह ऐड किया, बट वो सबके साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यहाँ पे काम करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सब काम करता है। लेट्स से मैं विराट कोहली वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, और लेट्स से मुझे ये पता करना है कि कितने मैचेस में विराट कोहली ने 50 रन से ज़्यादा स्कोर किया। तो आप क्या करोगे, ये रहा वीके आपका सीरीज, आप इसके ऊपर सिंपली क्या करोगे, ये एक्सप्रेशन लगा दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। हमें ये निकालना है कितने मैचेस में 50 या 50 से ज़्यादा बनाया। जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे, ये देखो आपको एक बूलियन सीरीज मिलेगा। ध्यान से देखो, दिस इज अ बूलियन सीरीज। बूलियन सीरीज क्या होता है, जिसमें जो वैल्यूज होते हैं वो या तो फॉल्स होते हैं या तो ट्रू होते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी ये मैच है, इसमें उसने 50 मारा है, बाकी जितने भी मैचेस दिख रहे हैं उसमें उसने 50 नहीं मारा, इसलिए फॉल्स आ रहा है। सो बेसिकली आप कंडीशन लगा सकते हो, किसी भी तरह का कंडीशन लगा सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ भी कंडीशन विल वर्क। ठीक है, तो बेसिकली पिछले 10-15 मिनट में मैंने आपको बस ये दिखाया कि जो भी चीज़ें आपने पाइथन में पढ़ी थी वो सब वेस्ट नहीं हुआ, वो सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो पैंडास के अंदर विथ बोथ सीरीज, और कल आप देखोगे डेटा फ्रेम में भी आप ये सेम काम कर पाओगे। बट यू गेट द आइडिया कि पैंडास एंड सीरीज आर सो वेल डिज़ाइंड कि पाइथन का हर फीचर यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा ये बिल्ट इन फंक्शंस के साथ कैसे काम करता है सीरीज, उसके बाद हमने देखा कि आपके मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ कैसे काम करता है, टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, लूप्स कैसे चलते हैं, उसके बाद हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ कैसे काम करता है। तो इतने में अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज लेट मी नो। शिवम यार, दोनों का अपना अपना काम है, पैंडास और एक्सेल का। पैंडास ज़्यादा क्या बोला जाए, कस्टम लॉजिक लिखने में काम आता है, एक्सेल बहुत ही रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग टाइप की चीज़ों में काम आता है। मुकेश नहीं, लेंथ भी पूरा बताता है, नैन को शायद काउंट कर लेता है। अक्षय इज आस्किंग ऊप कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन पैंडास। हाँ, मैं अभी बोल तो रहा हूँ सीरीज का हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अक्षिता इज आस्किंग सर, इज देर अ वे टू रिटेन वैल्यूज ऑफ द सीरीज व्हेन अप्लाइंग अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स। हाँ, मतलब दीज आर ऑल टेम्पररी ऑपरेशंस ना, ये अप्लाई करने के बाद सीरीज में कोई चेंजेस नहीं हुए, यू हैव क्रिएटेड अ न्यू सीरीज, तो ओरिजिनल वाला सीरीज का वैल्यूज आर इंटैक्ट। कैन यू प्लीज टेल अबाउट एंड एंड एंड, आई गेट कन्फ्यूज। अर्चन, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेटा फ्रेम्स में फिल्टरिंग करेंगे और मल्टीपल कंडीशंस। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, 15 मिनट बचे हैं, दो टॉपिक्स करने हैं, जल्दी से कर लेते हैं। सो अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा ना कि आप रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो सीरीज़ के ऊपर, और जब भी आप अप्लाई करते हो आपको एक बूलियन सीरीज़ मिलती है, अ सीरीज़ कंसिस्टिंग ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये हमने नंपाई में भी पढ़ा था और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, और इसको यूज़ करके हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, बूलियन इंडेक्सिंग।
और हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस कर सकते हैं. लेट मी शो यू, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करके दिखाता हूँ. जैसे कि लेट्स से मुझे ये पता करना है कि विराट कोहली ने अपने पूरे आईपीएल करियर में कितने 50 स्कोर्स बनाए, 50 या 50 से ज़्यादा. तो मैं कैसे करूँगा, मैं ये करूँगा, ध्यान से देखो. मैं लिखूँगा VK ग्रेटर दैन इक्वल टू 50. जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा मुझे क्या दिखाई देगा, एक बूलियन सीरीज़ कि हर मैच में उसने 50 बनाया या नहीं बनाया. जैसे 50 पहले मैच में नहीं बनाया, दूसरे में भी नहीं बनाया, तीसरे में भी नहीं बनाया, इस वाले मैच में बनाया. बट मुझे क्या निकालना है, कितने मैचेस में बनाया. तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपने अभी जस्ट बूलियन सीरीज़ बनाई, इसको हम उठा करके एज इंडेक्स ओरिजिनल वाली सीरीज़ में डाल देंगे. तो क्या होगा, इट्स लाइक हमने ओरिजिनल वाले के ऊपर ये बूलियन को बिठा दिया. तो जहाँ जहाँ ट्रू है बस वही बचेगा, फॉल्स वाला सब हट जाएगा. और ये देखो आउटपुट, अब आपको एक ऐसा सीरीज दिखाई दे रहा है जहां पर सारी की सारी वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50. अब आपको ये पता करना है ऐसी कितनी वैल्यूज हैं, तो आप डॉट साइज लगा दो और ये रहा आपका आंसर. विराट कोहली ने अपने सारे मैचेस में 50 मैचेस ऐसे हैं जिसमें उसने 50 या 50 से ज्यादा स्कोर बनाया है. ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया. ये हमने नंपाई में भी पढ़ा था जहाँ पे हमने बूलियन एरेज को उठा के इंडेक्स कर दिया था. यहाँ पे भी हमने सेम काम किया, बूलियन सीरीज को उठाया और उसको अपने ओरिजिनल सीरीज के ऊपर रख के इंडेक्स कर दिया और हमें रिजल्ट्स मिलने लग गए. ठीक है, सिमिलरली लेट्स से हमें ये पता करना है कि विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर में कितने डक्स स्कोर किए हैं. जिनको क्रिकेट जितना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, फॉर देम डक इज बेसिकली 0 रन बनाए हैं. ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप लिखोगे VK इज इक्वल टू 0. फिर से आपको एक बूलियन सीरीज मिलेगा जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किसी मैच में उसने 0 बनाया है या नहीं बनाया है. और फिर आप क्या करोगे, उसको उठा के VK के अंदर डाल दोगे लाइक दिस. एंड यू कैन सी ये रहे मैचेस जिसमें उसने 0 बनाए हैं. और अगर मैं साइज निकालू तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मैचेस मिल जाएंगे. सो देर आर 9 IPL मैचेस जहां पे विराट कोहली 0 पे आउट हुआ. ठीक है, देख रहे हो कितने झट से आई एम एबल टू फेच इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ माय डेटा. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. मुझे ये पता करना है कि कितने ऐसे दिन आए हैं पिछले एक साल में जहां पे मेरे चैनल ने एक दिन में 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए. मुझे ये निकालना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सब्स, मेरा जो सीरीज़ है, दिस इज़ द सीरीज. और मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ग्रेटर देन 200. इससे मुझे फिर से मिलेगा एक बूलियन सीरीज़ जहाँ पे ट्रू फॉल्स होगा. और उस बूलियन सीरीज़ को मैं उठा के डाल दूँगा वापस सब्स के अंदर लाइक दिस. और इससे मुझे वो सारे दिन मिल जाएंगे जिस दिन मेरे चैनल ने 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए. ये रहे वो सारे दिन. और अगर मैं इनका साइज़ निकालूँ तो पिछले एक साल में मेरी लाइफ में 59 अच्छे दिन आए हैं जिस दिन चैनल ने 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए पिछले 365 दिनों में. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और लेते हैं. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो हमारे पास ये मूवीज़ वाला डेटा सेट है. मुझे ये निकालना है कि यहाँ पे 1500 मूवीज़ का डेटा है. हमें उन एक्टर्स का नाम निकालना है जिन लोगों ने 20 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई हैं. ये निकालना है मुझे. मुझे उन एक्टर्स का नाम निकालना है जिन लोगों ने 20 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई हैं. तो अगर मुझे ये निकालना है कि किन एक्टर्स ने 20 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई हैं, तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कि हर एक्टर ने कितनी मूवीज़ बनाई हैं. और ये निकालने का तरीका है वैल्यू काउंट्स. सो आप लिखोगे वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स और ये आपको क्या निकाल के देगा कि हर एक्टर ने कितनी मूवीज बनाई है. ठीक है, तो लेट्स स्टोर दिस सीरीज. ये सीरीज है बाय द वे नम मूवीज. ठीक है, ये देखो दिस इज नम मूवीज. नम मूवीज इज अ सीरीज जो आपको ये बता रहा है कि हर एक्टर ने कितनी मूवीज बनाई है. अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 20. तो अब ये मुझे बूलियन सीरीज देगा जहां पे भी ये हर एक्टर से ये पूछेगा कि तुमने 20 से ज्यादा मूवीज बनाई है क्या, अगर हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. और ये बूलियन सीरीज को मैं उठा करके वापस कहाँ पे रख दूंगा, नम अंडरस्कोर मूवीज में लाइक दिस. एंड यू वुड गेट
द नेम ऑफ ऑल दोज एक्टर्स जिन्होंने पिछले 15-20 सालों में 20 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है. अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, वही सारे यूजुअल अपने एक्टर्स हैं, इन लोगों ने 20 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है. ठीक है, सो यू कैन सी ये जो बुलियन इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इट इज़ सो पावरफुल कि इसको यूज़ करके आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने डेटा से और फिर आप उसको आंसर कर सकते हो. ठीक है, अभी इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे, बट मुझे आपको सीरीज़ में ये आइडिया देना था कि आप कितना आसानी से इस तरह का काम कर पाते हो. ठीक है, तो लेट मी नो अगर आपको ये समझ में आया, लेट मी नो. समझ में आया तो क्लियर लिख दो, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, और वो है ग्राफ्स प्लॉट करना ऑन आर सीरीज ऑब्जेक्ट. ओके, चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. अगेन पैंडास का पावर आपको दिखाना चाहता हूँ कि पैंडास इज सो पावरफुल दैट इट कैन एक्चुअली प्लॉट ग्राफ्स अगर आप चाहो तो. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो अभी हमने ग्राफ्स प्लॉट करना सीखा ही नहीं, इनफैक्ट ज़रा भी नहीं सीखा है, बट फिर भी आप तुरंत के तुरंत ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो. लेट मी शो यू. जैसे कि लेट्स से अगर मुझे किसी ने बोला कि जो मेरे लास्ट 365 डेज में सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए हैं, मुझे उसका ग्राफ प्लॉट करना है डे बाय डे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना. आई कैन वेरी सिंपली गो एंड राइट अ वेरी सिंपल फंक्शन कॉल्ड प्लॉट. हम अपने सीरीज़ के ऊपर प्लॉट फंक्शन चला सकते हैं. सो ये रहा सब्स डॉट प्लॉट. जैसे ही मैं सब्स डॉट प्लॉट करूँगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे सारे नंबर्स को एक 2D प्लॉट में कन्वर्ट कर देगा. एंड ये देखो, ये देखो, सो नीचे x एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 365, और उस पर्टिकुलर डे पे मैंने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए वो मैंने प्लॉट कर दिया, और फिर सारे प्लॉट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया. दिस इज़ अ 2D प्लॉट. यू कैन सी इन जनरल साल की शुरुआत में जनवरी वाली साइड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 100 के आसपास रहते थे, और अभी धीरे धीरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 200 के आसपास रह रहे हैं. सो यू कैन सी देर इज़ अ ग्रोथ. ठीक है, सिमिलरली लेट्स से मुझे ये पता करना है कि किन एक्टर्स ने कितनी मूवीज़ बनाई है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह का कोड लिख सकते हैं. नीचे जा रहा हूँ मैं, हम लिखेंगे मूवीज़ डॉट वैल्यू काउंट्स. वैल्यू काउंट्स मुझे हर एक्टर का काउंट बता देगा कि उसने कितनी मूवीज़ बनाई हैं. एंड यू कैन सी दिस इज़ द काउंट. और लेट्स से मुझे सारे एक्टर्स की बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ टॉप 20 एक्टर्स की बात करनी है, तो मैं इस सीरीज़ के ऊपर मेथड चेनिंग करके हेड में 20 लिख दूंगा. सो मैंने पहले क्या किया, वैल्यू काउंट्स किया, तो जितने भी एक्टर्स थे सभी ने कितनी मूवीज़ बनाई मैंने ये निकाल लिया, ये एक सीरीज़ में स्टोर हो गया. अब वो सीरीज़ है तो मैं उसके ऊपर हेड चला सकता हूँ. तो मैंने बोला मुझे सारे एक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप 20 एक्टर्स चाहिए. तो मैं जैसे ही अब ये कोड रन करूँगा, अब मुझे टॉप 20 जो एक्टर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाई हैं, मुझे उनका दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ मूवीज़. अब सिंस दिस इज़ ऑल्सो अ सीरीज़, मैं इसके ऊपर प्लॉट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और इस बार मैं काइंड बोल करके एक पैरामीटर होता है उसमें दे रहा हूँ बार. सो इस बार मुझे 2D प्लॉट नहीं बनाना, मुझे बार चार्ट बनाना है, और बार चार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है. यू कैन सी दिस इज द बार चार्ट. ठीक है, सो यू कैन सी अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा है, फिर देर इज अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सलमान खान, एक्सेट्रा. ठीक है, बार चार्ट भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, पाई चार्ट भी बना सकते हो. सो पाई चार्ट इज़ बेसिकली परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन. सो यू कैन सी दिस इज़ अ परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन, पाई चार्ट. ठीक है, सो सबसे बड़ा जो पाई है वो अक्षय कुमार के पास है, बिकॉज इन 20 लोगों में सबसे ज़्यादा मूवीज़ उसने बनाई हैं, फिर अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, और ग्रेजुअली वो घट रहा है. ठीक है, सो यू कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लॉट्स. इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमने उतना ग्राफ्स वगैरह नहीं पढ़ा है, बट जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि आपके पास इतने पावरफुल फीचर्स हैं. ये सब आपको नंपाई में नहीं मिलेगा, आई डोंट थिंक सो. आप डायरेक्टली इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि पैंडास विल गिव यू सो मेनी सच फीचर्स कि आप बहुत पावरफुल फील करते हो. ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज मेथड्स,
और ये मैं आपको कल एक वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऊपर भी एक टॉपिक था वो भी रह गया, वो भी मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी हमने सीरीज़ को पूरा एंड टू एंड समझ लिया। आई वुड रिकमेंड एक बार वीडियो फिर से देख लो अगर नहीं पूरा समझ में आया, और कोड्स एक बार खुद से रन करके देखो। सीरीज़ समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटा फ्रेम को समझने में हेल्प मिलेगा, दैट इज़ वाई हमने सीरीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा। मैंने देखा है बहुत सारे कोर्सेज में लोग सीरीज़ पढ़ाते भी नहीं है, डेटा फ्रेम से ही स्टार्ट करते हैं और बीच में थोड़ा बहुत बस सीरीज़ समझा देते हैं। बट आई पर्सनली फील सीरीज़ से डेटा फ्रेम बना है, दैट इज़ वाई आपको सीरीज़ आना चाहिए, सो दैट डेटा फ्रेम आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड टू कवर एज मच एज आई कुड हैव डन। बाकी यार लेट मी नो, कोई डाउट्स हैं तो बताओ, क्लास कैसी लगी वो बताओ, और लेट मी नो। हाँ सागर, इंटरनली मैटप्लॉटलिब भी यूज होता है। हाँ नितेश, इट वर्क्स, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है गाइज, अगर डाउट्स नहीं है आपके तो फिर जाओ, आज इतना ही करना था हमें, और कल हम लोग डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे। सो टेक्निकली ऐसा बोला जा सकता है कि कल से हम लोग पैंडा स्टार्ट कर रहे हैं, और कल से और मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत बस आज का सेशन देख लेना क्योंकि थिंग्स विल रिपीट, ठीक है। विनायक विल डू स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल इन आई गेस फेब का एंड या फिर मार्च की शुरुआत में, आई गेस। जिगर इज आस्किंग इफ पॉसिबल यूज ग्रीन स्क्रीन, क्यों डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है क्या आपको कुछ? ओ बिकॉज ऑफ द स्क्वायर वाला थिंग, यार वो सब मुझे आता नहीं है, ग्रीन स्क्रीन कैसे सेटअप किया जाता है। आई ट्राई अगर डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है तो आई ट्राई। शरद, आई गेस देर इज अ इक्वल फंक्शन, आप चेक करके देखना सीरीज में देर इज अ इक्वल फंक्शन, उससे शायद आप कंपेयर कर सकते हो दो सीरीज को। एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिसोर्सेज बताओ। वैसे तो आप गोइंग फॉरवर्ड अभी काफ़ी सारे डेटा सेट्स के ऊपर काम करोगे ना, उससे खुद ब खुद इम्प्रूव होता है। मेरा तो वैसे इम्प्रूव किया थोड़ा, मैंने तो नोटिस किया, पहले मैं जैसे सोचता था और अभी मैं जैसे सोच पाता हूँ किसी डेटा को देखने के बाद, तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो वो हो जाएगा। सुमित इज आस्किंग, कल मेरा एग्ज़ाम है पर वो पढ़ने की जगह आपकी क्लास ले रहा हूँ। सर ऐसा मत करो भाई, एग्ज़ाम निकालो यार, इंडिया में एग्ज़ाम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहा इज़ आस्किंग रन सीरीज 034 इक्वल टू 0 करने से काम हो जाएगा क्या? आई गेस नेहा, आई एम नॉट श्योर, बहुत दिनों से ऐसा कुछ सिंटेक्स यूज़ नहीं किया, एक बार ट्राई करके देख लो। बिराज, फ्लेक्स क्लासेस क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लेक्स क्लासेस? सर हु डू यू सपोर्ट, अर्जेंटीना और क्रोएशिया? अर्जेंटीना यार, मतलब एक बार मेसी को जिता दो यार। शैलेंद्र इज़ आस्किंग पाइथन प्रैक्टिस करने का तरीका बताओ। अभी हम लोग आपको एक प्रैक्टिस शीट देने वाले हैं, एक बार वो कंप्लीट करना, बाकी तो इसके अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। द आइडिया इज़ जहाँ जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं लगा लो, उसी से होता है। मतलब ऐसे कोई एक प्लेटफॉर्म क्या बताऊँ आपको, हैकर अर्थ इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, हैकर रैंक इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। अपूर, फ्रॉम योर लेक्चर आई केम टू नो दैट आई हैव प्रैक्टिकल नॉलेज बट थियोरेटिकल में आई एम फार बिहाइंड, नीड टू कवर दैट टू। अच्छी बात है यार, मतलब जब तक आपको अपनी वीकनेस पता चल रही है दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। विनायक इज आस्किंग, हम लोग काफ़ी डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है इफ़ यू ब्रिंग सच डेटा फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, बहुत प्रैक्टिस कराएंगे आपको। अभी आज पहला क्लास था इसलिए उतना नहीं कर रहे थे, बट गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ये सब बहुत पढ़ने वाले हैं। पवन इज आस्किंग वैक्स लाइब्रेरी विल बी कवर्ड, प्लान तो नहीं है बट एक प्रोजेक्ट करा देंगे बहुत बड़े डेटा के ऊपर, तो उसमें वैक्स लाइब्रेरी काम करेगा। नितेश, अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा रिसोर्स नहीं है OCR के बारे में, बट अगर कुछ मिलेगा तो आई विल टेल यू। कल YouTube पे ही है ना? हाँ कल और परसों दोनों दिन YouTube पे ही है, ये फ्री सेशन है ना तो ये सारे YouTube पे होंगे।
मनिंदर डोंट वरी, विल प्रोवाइड यू विथ ईजी प्रॉब्लम्स एज वेल एज इंटरमीडिएट एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अक्षिता, ग्राफ प्लॉटिंग कन्फ्यूजिंग लगता है काफ़ी। डोंट वरी अक्षिता, अभी आने दो टाइम, वी विल डू ऑल ऑफ दिस एंड अच्छे से करेंगे। अजय इज आस्किंग सर, ऑटो ML लाइब्रेरी भी यूज़ करेंगे? हाँ करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब करेंगे। सुप्रिया इज आस्किंग सर, फ्लास्क का वीडियो कहाँ है? वेबसाइट पर है, यहाँ पर है, दिस इज़ द वेबसाइट ना, तो वेबसाइट पे नहीं ऐड किया क्या मैंने? जस्ट गिव मी वन सेकेंड। आप लोग वेबसाइट ठीक से चेक नहीं कर रहे क्या? ये रहा सेशन ऑन फ्लास्क वेब डेवलपमेंट, और यूट्यूब पे भी है। और क्या क्वेश्चंस हैं? चलो फाइनली किसी ने तो पूछा, सर जी हाउ आर यू? आई एम ग्रेट यार, आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग। और गाइस कोई क्वेश्चन है तो बोलो, मैं दो मिनट और हूँ। नहीं दिनेश, काफ्का का तो प्लान नहीं है। ML Ops में मे बी अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी प्रोजेक्ट में तो मे बी, इस पॉइंट पे आई एम नॉट श्योर। यस मुकेश, रिकवर्ड यार, वही नॉर्मल सर्दियों में जो बुखार हो जाता है एक बार, वैसा था। आई हैव रिकवर्ड। अरिजीत, डी टाइप मैनिपुलेशन इन NumPy, एग्जैक्टली क्या टॉपिक बोल रहे हो एक बार आप बताना, मेल में बताना यार एक बार। जस्टिन आस्किंग, रेज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए अप्रॉक्स फॉर फ्रेशर्स डेटा साइंस जॉब? 2 से 3 बहुत हैं, 2 भी बहुत हैं अगर अच्छे होंगे तो। अमित इज आस्किंग, शादी कब कर रहे हो? भाई कर चुका हूँ शादी यार, दोबारा थोड़ी करूँ। विराज इज आस्किंग, फ्लास्क रिमेनिंग क्लासेस? फ्राइडे को होगा नेक्स्ट क्लास ऑन फ्लास्क, वेयर वी विल डू API डेवलपमेंट, वी विल बिल्ड APIs यूजिंग फ्लास्क। तो ठीक है यार, चलो फिर आई क्लोज द सेशन देन, कल मिलते हैं, कल डेटा फ्रेम पढ़ते हैं, ठीक है। अपूर्व इज आस्किंग, जियो स्पेशल डेटा के ऊपर काम करेंगे? हाँ कर सकते हैं यार, अच्छा प्रोजेक्ट है जियो स्पेशल डेटा के ऊपर, वी कैन डू समथिंग। चलो गुड नाइट फिर गाइज़।